Yes, you are right, Ashad Ali. So very warm welcome to the session, Determinants ka third aur aakhri session. Do you all agree before even I start, ki bade session ka ek fayda hota hai ki continuity banana asaan ho jata hai, right? Main ek ek ghante ke agar 7-8 session leta, to continuity aur wo schedule banana mushkil hota hai. Par do dhai ghante ke 3 session mein khatam karne se fayda kya hua? Attend karna asaan ho gaya. शेड्यूल बनाना आसान हो गया, राइट? सो आज हम डिटरमिनेंट को खत्म कर देंगे, पूरा एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, जिसमें कि क्रैमर रूल आएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएगा, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर डिटरमिनेंट्स को डिवाइड करूं दो मेजर पार्ट्स में बेटा, तो फर्स्ट मेजर पार्ट इज प्रॉपर्टी 6 एंड सेकेंड मेजर पार्ट इज जो हम आज पढ़ेंगे, क्रैमर्स रूल, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ये आज आएगा सेशन के बीच में, राइट? मैक्सिमम क्वेश्चंस इन दो टॉपिक से आते हैं, इसमें भी ज्यादा इस टॉपिक से आएंगे जो हम आज पढ़ेंगे, राइट? सो दैट इज अ लिटिल ब्रीफ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे एंड फटाफट शुरू करते हैं विद एवरीबॉडी प्रेजेंट हियर. गॉड ब्लेस यू ऑल. अभी हम करेंगे फटाफट वेलकम एवरीबॉडी. खुश रहो. यस ऑफकोर्स VLOP हैशटैग VLOP भैया, बढ़िया नजारे. सो एवरीबॉडी गेट रेडी, थोड़ा पेन कॉपी रख लो, जरूरत पड़ सकती है बीच में. And here settings are done. All good. Just a minute. थोड़ा सा फर्क आ गया पे. इसको इधर कर देंगे, इसको इधर. Okay. Now I am all set. Tantana. And of course, don't forget to like the session and share the session with your friends. क्योंकि उससे यार मैक्सिमम बच्चे सीखेंगे और जब लाइक करते तो खुशी तो मिलती है मेरे को, मना नहीं करूंगा. ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं. ओके एंड जेई पोस्टपोन का भी कुछ नहीं पता, लेट अस नॉट थिंक अबाउट दैट. बेटा तुम्हारा काम है 12th पढ़ना. अभी ये मत सोचो कि इस साल जेई पोस्टपोन होगा, नहीं होगा, क्या होगा, जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट. ओके, आप अपनी 12th पे फोकस करो, कंप्लीटली फोकस करो. ठीक, तो भैया प्रेजेंटली भैया आई एम अरविंद कालिया सर, बच्चे प्यार से भाई बुलाते हैं क्योंकि आई सी यू ऑल एज माई यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स. आई एम एक्चुअली मैथ्स एट वेदांतु एंड ऑफकोर्स नेशनल लेवल अवार्ड विनर फॉर बेस्ट टीचर कैटेगरी. सो विद दैट लिटल इंट्रोडक्शन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑफकोर्स. अगर आप नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलो. पूरा सिलेबस तुम्हारा 12th क्लास का यहाँ पे अक्टूबर तक खत्म कर दिया जाएगा, अलॉन्ग विद कंप्लीट थ्योरी कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल्स, DPP के टॉप क्वेश्चन बढ़िया वाले, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर मॉक टेस्ट. एवरीथिंग विल बी डन इन एन ऑर्गेनाइज मैनर. और आपको पता है आपके स्लॉट क्या है. मैथ का स्लॉट कौन सा है? 1:30 to 4:00 का स्लॉट है. डेज मेरे को अक्सर गलती लगती है, जितना मेरे को याद है ट्यूसडे और थर्सडे मेरे ख्याल से मैथ के दिन है. दो दिन है, दो फिजिक्स, दो केमिस्ट्री, दो मैथ, राइट? सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. एंड रिगार्डिंग द प्लेटफॉर्म, वेव प्लेटफॉर्म, मैं आपको सारा सेशन के एंड पे बताऊंगा. एज यूजुअली आई डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स टुवर्ड द एंड ऑफ सेशन, कि पेड प्लेटफॉर्म पे जो कि इतना इफेक्टिव है, इतने रिजल्ट आते हैं हर बार, उसमें क्लासेस कैसी दिखती हैं, फीचर्स कैसे होते हैं, जब टीचर क्लासे पढ़ाता है तो कैसा दिखता है, राइट? व्हाट आर ऑल द थिंग्स दैट यू गेट ऑन अ पेड प्लेटफॉर्म फॉर योर डेडिकेटेड स्टडीज, राइट? हाउ यू गेट योर डाउट सॉल्व आफ्टर द क्लास एंड ऑफ कोर्स इन द क्लास, ड्यूरिंग द क्लास, राइट? हाउ द टेस्ट्स आर टेकन, CBT मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग रहती है एंड इट हैज अ कंप्लीट एनालिसिस जो कि आपको हेल्प करता है प्रॉपरली बढ़ने में. ये सारी चीजें मैं डिटेल में सेशन के एंड पे आपको एक एक करके बताऊंगा, सो दैट जो बच्चे इस वक्त एनरोल करना चाहते हैं. सुवीर, मेरे बैच में एनरोल करना मुश्किल है, पंगे ले सकते हो. सो पॉइंट इज, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. इस समय आपका 12th टाइम पे शुरू हो जाना चाहिए. वैसे भी कोरोना के चलते रहते मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी बाहर निकलने का सोचना चाहिए. एक तो वैसे ही ऑनलाइन बेस्ट है, राइट? फ्रॉम लास्ट 2-3 ईयर्स जैसे रिजल्ट ऑनलाइन से आ रहे हैं, घर बैठे बैठे तैयारी होती है और कॉस्ट भैया 1/3 होती है ऑलमोस्ट, रिगार्डिंग अगर हम कंपेयर करें ऑफलाइन के साथ, तो आपको 1/3, 1/4 कॉस्ट पे ऑफलाइन से बेटर क्वालिटी मिल रही है. लाइव एनालिसिस मिलते हैं चीजों के, क्विजेस होते हैं, टेक का कितना फायदा होता है. तो आई डोंट थिंक आपको कुछ और सोचना चाहिए. ठीक, सो इन चीजों के बारे में मैं डिटेल में सेशन के बाद एंड में बात करूंगा. कैसे आपको मल्टीपल कोर्सेज में एनरोलमेंट मिल जाता है एक ही सब्सक्रिप्शन में, समझो? जस्ट पे 30-40,000 आपको JEE भी मिलता है, CBSE भी मिलता है, टेस्ट भी मिलता है, एंड में रिवीजन भी मिलती है, क्रैश कोर्स भी मिलता है, एंड में टिल एडवांस पूरा सपोर्ट मिलता है, सब कुछ एक ही सब्सक्रिप्शन में, एंड दैट टू वेरी अफोर्डेबल. तो इसके बारे में सेशन के एंड में बात करेंगे, आपके कोई डाउट होंगे आई क्लियर इट. ओके,
अभी तो तुम्हारे भाई को जल्दी रहती है सेशन शुरू करने की, यू ऑल नो, पहले तो पढ़ेंगे सारा, राइट? आज का मेन मुद्दा तो यही है ना, लेक्चर 3 डिटर्मिनेंट्स का एंड का पार्ट, जो कि बहुत क्रिटिकल है जेई के लिए और स्कूल के लिए भी। स्कूल में भी आता है, थोड़ा इजी आता है, जेई में अच्छा आता है। और सेशन के एंड पे भी चलेंगे बाकी चीजों की ओर। एवरीबॉडी रेडी? नो रावण, आज डिटर्मिनेंट खत्म होगा तो जो नेक्स्ट सेशन है, नेक्स्ट सेशन जो मैथ का आएगा उसमें आपका डीपीपी आएगा, ठीक? एवरी चैप्टर, जब चैप्टर खत्म होगा उसके बाद डीपीपी का सेशन आएगा, जिसमें कि जितने सारे डीपीपी आपको मिले हैं उनके जो सबसे अच्छे क्वेश्चन है, जहां पे डाउट आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है, वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। और मैंने डीपीपी में कुछ क्वेश्चन बहुत बढ़िया रखे हुए हैं, मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी टफ भी रखे हुए हैं, जस्ट बिकॉज आपको पुश मिले कि यार मजा आ गया ये तो, मतलब ये तो अगर डाउट है तो जेन्युइन डाउट है, अगर हो गया तो मैं कहा मजा ही आ गया, ठीक है? सो यस, आपको डीपीपी में बहुत अच्छे सवाल मिलेंगे, कुछ आसान है, कुछ एवरेज है, कुछ बहुत टफ है, राइट? तो जोर लगाना उस पर। आपको अगले सेशन में डीपीपी डिस्कस करेंगे तो आपको सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी जहां पे डाउट भी रहा होगा, ठीक? यस, चक दे एवरीबॉडी, सेशन शुरू करते हैं आज का डिटर्मिनेंट्स लेक्चर 3, एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स। देखो, एप्लीकेशन से पहले एक छोटा पार्ट आता है, सम स्पेशल डिटर्मिनेंट्स। ये छोटी सी एक दो कैटेगरीज होती हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ऐसा दिखे तो उसको ये कहते हैं, ऐसा दिखे तो उसको ये कहते हैं, दो तीन छोटी मोटी कैटेगरी हैं। तो पहले ये डेफिनेशन पढ़ ले और फिर शुरू होगा एप्लीकेशन। तो आ जाओ, इससे पहले कि मैं डेफिनेशन बताऊं, मुझे एक चीज आपसे एंश्योर करनी है, दैट यू कैन ऑब्जर्व दैट थिंग। यार डिटर्मिनेंट लिख रहा हूं मैं 3x3, आप जरा इसके एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करो कि इनकी नंबरिंग जो है उसका पैटर्न ऑब्जर्व करो। आई नो आपको नंबरिंग आती है, आपको पता है आई जे के आई जे कैसा दिखता है, पर एक पैटर्न ऑब्जर्व करवाना है मेरे को, तो उस पैटर्न को ऑब्जर्व करना भी। डू यू ऑल एग्री, जो एलिमेंट यहां बैठे हुए हैं वो ए आई आई टाइप के हैं। डू यू ऑल एग्री? A11, A22, A33 AII टाइप के हैं, राइट? AII एलिमेंट्स को नॉर्मली डायगोनल एलिमेंट कहा जाता है, इसको डायगोनल नहीं कहते। मैंने पहले भी आपको रेफर किया था, इसको डायगोनल नहीं कहते, AII को ही डायगोनल एलिमेंट कहा जाता है। अब दूसरा देखो, दूसरा ऑब्जर्वेशन बहुत प्यारा है। कैन यू सी, अगर ये AIJ है तो ये AJI है, A12, A21। अगर ये AIJ है तो ये AJI है, A13, A31। अगर ये AIJ है तो ये AJI है। यानी कि डायगोनल के अबाउट जो एलिमेंट्स होते हैं उनका पैटर्न कुछ तो है, इधर AIJ है तो इधर JI है। अब तुम्हें डेफिनेशन समझ आएगी, अब सुनो डेफिनेशन बेटा। डेफिनेशन क्या है? पहली डेफिनेशन जो पढ़नी हमने वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स। सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट वो होता है जिसमें ए आई जे और ए जे आई सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 1, 3, 1, 3, 0, -1, -1, 2। कैन यू सी इट इज सिमेट्रिक? कैन यू सी इट इज सिमेट्रिक? ए आई जे ए जे आई सेम है। बेसिकली सिमेट्रिक टर्म जो आया ना, सिमेट्रिक वो ऐसे आया है, डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है, डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है, ऊपर नीचे सेम है, इसे कहते हैं सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। देन कम्स स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। अगर ए आई जे जो है वो ए जे आई के नेगेटिव है, अगर ए आई जे ए जे आई के नेगेटिव है एंड जो डायगोनल है वो सारा जीरो है, डायगोनल सारा जीरो है, तो यहां पे तो जीरो जीरो जीरो, डायगोनल जीरो है, डेफिनेशन का पार्ट है ये। अब अगर इधर टू है तो इधर माइनस टू है, इधर थ्री है तो इधर माइनस थ्री है, इधर माइनस वन है तो इधर वन है, डायगोनल के अबाउट एक दूसरे के नेगेटिव है, एक दूसरे के नेगेटिव, ठीक? तो ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई, बोथ द डेफिनेशंस क्लियर। सो वन इज सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, वन इज स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, ये आपने ऑब्जर्व कर लिया, इसकी शक्ल बहुत सुंदर दिखती है, वेरी गुड। एक बच्चा पूछ रहा है व्हाट इज दिस आधार, बेटा फटाफट जो लॉन्च था बीजेई का वो पढ़ो, इलीट लाइव का सेशन देखो,
आधार है, जब चैप्टर चल रहा होता है उसको आधार कहते हैं, जब तुम्हारा डीपीपी सेशन आएगा उसको तपस कहा जाएगा। आधार मतलब तुम्हारा बेस बन गया सारा, तपस मतलब तुमने प्रैक्टिस कर ली सारी। उसके बाद जब पीवाईक्यू आएगा उसको मंथन कहा जाएगा, यानी कि आपने पुरानी सारी चीजों का मंथन कर लिया है। एंड फाइनली जब टेस्ट होगा तो दैट विल बी परख, क्योंकि आपकी परख होगी उसमें कि आपने कितनी तैयारी कर ली है। सो वन इज सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट व्हेन AIJ एंड AJI आर सेम, देन कम्स क्यू सिमेट्रिक, जब AIJ और JI नेगेटिव है ईच अदर के और डायगोनल पे जीरो है। अब एक बहुत प्यारा रिजल्ट होता है ये वाला, वो क्या हो गया, ओके, वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर इज जीरो। इसे पी जाओ केवल, बहुत प्यारा से बहुत अच्छे से काम आता है। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर ऑड है उसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती है। एक बहुत छोटा सा प्यारा सा प्रूफ दूं, बहुत प्यारा प्रूफ, 3x3 के लिए प्रूफ दे दूं, 3x3 के लिए प्रूफ दे दूं कि इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। देखो आप इसको ना डेल्टा कह दो, मैं 3x3 के प्रूफ दे रहा हूं कि ये जीरो ही होगा। ओपन करके तो आप देख पाओगे, विदाउट ओपनिंग आप प्रूफ कर सकते हो। अगर ये डेल्टा है, एक काम करो, पहले रो में से माइनस कॉमन निकालो, दूसरे रो में से माइनस कॉमन निकालो और तीसरे में से माइनस कॉमन निकालो, टोटल कितने माइनस बाहर आ गए। डेल्टा इज इक्वल टू 3 माइनस बाहर आए, अंदर क्या बच रहा है, पहला रो बन गया 0 माइनस बी सी, दूसरा रो बना बी 0 माइनस ए और ये बना माइनस सी ए 0। टेल मी इन द चैट हाउ मेनी आउट ऑफ यू कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व कि ये तो डेल्टा के बराबर है। कैन यू सी दैट, वो तो डेल्टा के बराबर है। व्हेन आई से बराबर आई मीन वैल्यू, वैल्यू बराबर है। हां सर, क्योंकि ये तो डेल्टा का ट्रांसपोज आ गया, ये तो डेल्टा का ट्रांसपोज आ गया और डेल्टा ट्रांसपोज की वैल्यू डेल्टा की वैल्यू के सेम होती है। तो फाइनली आपको क्या मिल गया कि डेल्टा जो है इट इज माइनस ऑफ डेल्टा ट्रांसपोज, माइनस ऑफ डेल्टा ट्रांसपोज। अब मैं डेल्टा ट्रांसपोज लिख दूं या डेल्टा लिख दूं, बात तो एक ही है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो यहां से आया 2 डेल्टा इक्वल टू 0, सो डेल्टा इक्वल टू 0। तो कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक अगर ऑड ऑर्डर का होगा तो वैल्यू 0 ही होगा, ये उसका प्रूफ है। आपने प्रूफ नहीं करना बार बार, बस यूज करना रिजल्ट डायरेक्टली। वेरी गुड, देन कम्स कोफैक्टर डिटर्मिनेंट, देन कम्स कोफैक्टर डिटर्मिनेंट। ये भी एक अच्छा खासा इंपैक्ट वाला डेफिनेशन है। इस पर ना कुछ सवाल बहुत बेटर बनते हैं, बहुत ही बेहतर अभी करेंगे इसके बाद। इतना प्यारा सवाल कि अगर तुमने ऑब्जर्व नहीं किया तो वो बहुत ही मुश्किल सवाल है, बहुत मतलब अपने किसी भी दोस्त से पूछ ले, टॉपर से पूछ लेना, अपने फ्रेंड से नहीं कर पाएगा। और अगर आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया तो वो बहुत ही घटिया हो जाता है, अभी करेंगे देखना। तो पहले डेफिनेशन देखें, मान लो एक, मैं 3x3 के लिए डेफिनेशन समझा रहा हूं, एक 3x3 डिटर्मिनेंट लिखा मैंने, ये रहा 3x3 डिटर्मिनेंट। अब क्या करो, हर एक एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर लिख दो, यानी कि अगर ये डिटर्मिनेंट डेल्टा है, एक दूसरा डिटर्मिनेंट क्रिएट करो, दूसरा डिटर्मिनेंट मैं डेल्टा सी कह देता हूं इसको। कैसे क्रिएट करो, जहां पे A11 था ना वहां पे A11 का कोफैक्टर रख दो, कोफैक्टर यानी कि इसकी पहली एलिमेंट एंट्री क्या बनेगी, दिस माइनस दिस, ठीक। A12 की जगह पे 12 का कोफैक्टर रख दो तो यहां पे क्या आएगा, दिस माइनस दिस इंटू माइनस, ऑड पोजीशन है तो माइनस आएगा आगे। देन तीसरी जगह पे इसकी जगह पे इसका कोफैक्टर लिख दो C13, तो यहां पे क्या आ गया, इसका कोफैक्टर, दिस माइनस दिस। आइडिया क्लियर, ऐसे ही हर एक जगह पे रख दो तो यहां पे क्या आ जाएगा, C21 C22 C23 C31 C32 C33, दिस इज कॉल्ड कोफैक्टर डिटर्मिनेंट। सो फॉर एनी गिवन डिटर्मिनेंट if you replace the elements by their cofactors, this is called cofactor determinant. Cofactor determinant का एक ही result है और वो बहुत प्यारा result है जिससे कि बहुत अच्छे सवाल बनते हैं, अभी देखेंगे, ठीक है। पहले सवाल देखेंगे उस result का और फिर मैं तुमको उस result का proof भी करा दूंगा। Result क्या होता है, इसकी जो value है वो इसकी value
की पावर होती है ऑर्डर माइनस वन. अगर इसका ऑर्डर थ्री है तो इसकी वैल्यू आएगी डेल्टा स्क्वायर, इसका ऑर्डर टू है तो इसकी वैल्यू आएगी डेल्टा पावर वन, इसका ऑर्डर चार है तो इसका वैल्यू आएगा डेल्टा पावर थ्री, इसका ऑर्डर पांच है तो इसका वैल्यू आएगा डेल्टा पावर फोर. सो बेसिकली डेल्टा जो कोफैक्टर वाला होता है उसका रिजल्ट है दैट डेल्टा कोफैक्टर इज इक्वल टू डेल्टा रेज टू पावर एन माइनस वन, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ डेल्टा. बहुत बढ़िया. अब इसका एक प्यारा सा सवाल देखो और फिर इसका प्रूफ देखेंगे कि ये ऐसा ये इसके बराबर क्यों आ जाता है, रिजल्ट कैसे आता है. बेटा वन के केस में कोफैक्टर लिखते नहीं, बेटा वन क्रॉस वन डिटर्मिनेंट के लिए कोफैक्टर लिख ही नहीं सकते, कोफैक्टर लिखना ही शुरू होते हैं टू बाई टू से. ठीक. लो भाई सवाल देखो, मुझे जवाब तुमसे चाहिए. मैं का मजा आ जाएगा अगर जवाब दे दोगे. हिंट वही है कि अभी तुमने रिजल्ट पढ़ा वही लगाना है, वही दिख रहा होगा तुमको. जो देख लेगा पटाख से असर देगा, जो नहीं देख पाएगा वो पागल हो जाएगा. सर ये कैसे करना है? वेरी गुड लफी, दिल खुश कर दिया, मैं का मजा ही आ गया. डू यू ऑल अप्रिशिएट? अगर ये रिजल्ट नहीं पता तो हालत टाइट हो जाएगी इसमें, हालत टाइट हो जाएगी. और अगर रिजल्ट पता है तो ये कुछ भी नहीं है, ये पूछा गया है ये पता है. जिसको रिजल्ट नहीं पता वो तो इसको कुछ कैलकुलेट करने लग जाएगा, इसकी टर्म्स में लाने की कोशिश करेगा, पागल हो जाएगा. बट जिसको ये रिजल्ट पता है, ये क्या है? कुछ नहीं है, इसका कोफैक्टर है. देखो एक्स क्यूब माइनस वन, ये क्या है? कुछ नहीं है, इसका कोफैक्टर है. देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका कोफैक्टर यहां बैठा हुआ है. तो बेसिकली अगर ये मेरा डेल्टा है तो ये कुछ और नहीं डेल्टा कोफैक्टर है. आगे नहीं जा रहे तो पक्की बात है, इसका वैल्यू अगर थ्री है तो इसका वैल्यू क्या होगा? डेल्टा की पावर आएगी ऑर्डर ऑफ डेल्टा, जो उसका ऑर्डर है, ऑर्डर इज थ्री, माइनस वन, दैट इज डेल्टा स्क्वायर. सो आंसर आ गया नाइन. चक दे अरविंद गोयल, इलेवेंथ शुरू हो रहा है तुम्हारा. अभी बता दूं या सरप्राइज रखूं? कल बताने वाला हूं, कल बताता हूं इलेवेंथ कब शुरू हो रहा है, कल बताता हूं, कल आ रहा हूं. ठीक है, इलेवेंथ में तुम्हें यादगार होगा अब तो, क्योंकि इलेवेंथ को तो बहुत टाइम मिल गया. जो कि पहले फंस गए थे वो, क्योंकि पेपर बहुत लेट हो गया था, इलेवेंथ डिले हो रही थी, अब तो दे आर हैप्पी, टेंशन खत्म होगी, अब इमीडिएटली इलेवेंथ शुरू कर सकते हैं. तो ग्यारहवीं में तो बेटा यादगार होने वाला है, बहुत तकड़े वाला. ठीक है, दे हैव गुड टाइम नाउ. ठीक है, बट हाँ तुम भी तो कैंट हो, तुम्हारे पास पूरा टाइम है, यू हैव स्टार्टेड वेरी अर्ली, सो दोनों में बढ़िया चलेगा, नजारे आएंगे. सो दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आपने अपने आप जवाब दिया, आई एम सो हैप्पी. ठीक, अब आओ बेटा इसका प्रूफ. डेल्टा को फैक्टर को डेल्टा वन भी लिख देते हैं कई बारी, मैं डेल्टा सी लिखता हूं, तुम ऐसे लिख देता हूं. ओके, इस रिजल्ट का प्रूफ क्या है? मैं तुम्हें प्रूफ का डायरेक्शन दूंगा, लास्ट स्टेप बताऊंगा, बीच का थोड़ा सा कैलकुलेशन तुमने करना है. क्योंकि जब तक तुम वो कैलकुलेशन करोगे नहीं, तुम इसकी ब्यूटी को मतलब देख ही नहीं सकते, अप्रिशिएट ही नहीं कर सकते. एवरीबॉडी अब सुनो कि प्रूफ कैसे करना है. अगेन ये प्रूफ आपको कहीं पूछा नहीं जाएगा, ये आपके अपनी लर्निंग के लिए है. ओके, मजे के लिए है, चीजों को सीखने के लिए है. क्या करो कि डेल्टा को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो. दो डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई कैसे होते हैं? या तो रो बाय कॉलम या रो बाय रो, आपको पता ही है, दोनों तरह कर सकते हैं. इनको ना रो बाय रो मल्टीप्लाई करो, रो बाय रो मल्टीप्लाई करो. पहला एलिमेंट बता रहा हूं, सच्ची बताओ सबको समझ आया? आ रहा है? कैन यू सी, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो पहले ये रो पकड़ोगे, जब इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, कितनों को दिख रहा है तुमको? डेल्टा का वैल्यू मिल रहा है, डेल्टा का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स ओन कोफैक्टर, डेल्टा का दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स ओन कोफैक्टर, डेल्टा का तीसरा एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स ओन कोफैक्टर. अरे यही तो डेफिनेशन थी डेल्टा की वैल्यू की. तो जब तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, हर एक एलिमेंट अपने ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसको तो ऐड करके डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलती है. और अब तुम्हें और मजा आएगा अगर तुम्हें वो चीज याद है जो मैंने पहले सेशन में बताई थी. अगर तो एलिमेंट को अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलती है, बट अगर एलिमेंट को दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करो
तो जीरो मिलता है। बहुत बढ़िया हर्षित, दिल खुश कर दिया। तो देखो जब तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, रो बाय रो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, सेकंड के कोफैक्टर से, दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, दूसरे के कोफैक्टर से, तीसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, तीसरे के कोफैक्टर से, तो यहां पे आएगा जीरो। इसी तरह से तुमने सारा मल्टीप्लाई करना है। अब वो तुम्हारा होमवर्क है, जब तुम सारे मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा ये, और क्लियरली इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू तुम आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। इसको ओपन कर दो, ये डेल्टा का क्यूब आ जाता है। तो बेटा डेल्टा इनटू डेल्टा कोफैक्टर इज डेल्टा क्यूब, तो डेल्टा कोफैक्टर क्या आ गया, डेल्टा स्क्वायर। और यही तो प्रूव करना था कि अगर ऑर्डर थ्री है तो कोफैक्टर की वैल्यू, कोफैक्टर डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा स्क्वायर के बराबर होगी। KS 21, तो आपके 12th का सिलेबस खत्म होगा अक्टूबर में खत्म होगा। उसके बाद फिर आपकी रिविजन होंगी एंड टेस्टिंग होगी, सब कुछ होगा। सिलेबस खत्म होगा आपका अक्टूबर में। गॉड ब्लेस यू। तो ये रहा उसका प्रूफ, बहुत प्यारा है, इसे दोबारा भी पढ़ना। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि इस पूरे चैप्टर का यू कैन से वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड टॉपिक है, अगर हम JEE की बात करें, चाहे मेन चाहे एडवांस दोनों की, राइट right? तो आओ इसको सीखें। ये है क्या है, तो कुछ भी नहीं बेटा, कुछ इक्वेशंस है, कुछ वेरिएबल्स है। इंपॉर्टेंट क्या है, लीनियर, हम लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, लाइक टू इक्वेशन टू वेरिएबल, थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल, एग्जैक्टली सुवीर दास। हमारा पर्पस क्या है इस टॉपिक में, हमने दो चीजें सीखनी है। एक तो सीखना है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। व्हेन आई से सॉल्व, आई मीन साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। ऐसे एक्स वाई बताओ जो दोनों को सेटिस्फाई करते हैं, ऐसे एक्स वाई जेड बताओ जो तीनों को सेटिस्फाई करते हैं, राइट? सो सॉल्व मतलब ये है। और दूसरा पार्ट क्या पढ़ेंगे इसी टॉपिक में, किसी भी सिस्टम के कितने सॉल्यूशंस हैं। जरूरी है कि एक ही सॉल्यूशन आएगा, जरूरी है कि दो ही सॉल्यूशंस आएंगे, जरूरी है कि बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, कितने सॉल्यूशन आएंगे ये पढ़ेंगे। तो हम इन चीजों को पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो इसको पढ़ा जाता है क्रैमर्स रूल के साथ। क्रैमर्स रूल, इट्स अ रूल टू सॉल्व एंड फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट? इट्स अ डायरेक्ट रूल, आपको इस रूल को यूज करना है डायरेक्टली। तो फटाफट इसको देखते हैं है क्या है। देखो अगर हम बात करें 2/2 की, मुझे पता है मैं इसको सॉल्व जो है सीधे भी कर सकता हूं, बट अभी के लिए हम क्रैमर रूल सीखने लगे हैं, तो वो सीखो। ये मत बोलो कि सर मैं सीधे भी सॉल्व कर सकता हूं, आई कैन सॉल्व इट स्ट्रेट अवे। क्रैमर रूल सीख रहे हैं क्योंकि वो 3/3 पे जाएगा, वहां पे बहुत हेल्प हो जाएगी। तो क्रैमर रूल क्या कहता है, सब ध्यान से देखो। क्रैमर रूल कहता है अगर आपको ऐसे सिस्टम को सॉल्व करना है, लिसन माय वर्ड, ऐसे मतलब जितनी इक्वेशन उतने वेरिएबल एंड लीनियर है, लीनियर एक्स और वाई की पावर 1/1 है, ठीक है, एक्स और वाई की पावर 1/1 है। तो कहता है आप एक डी निकालो, एक डी एक्स निकालो, एक डी वाई निकालो, इनको निकालने के बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जिग्नेश, लेट अस नॉट टॉक अबाउट इट, लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज विद इन आवर कंट्रोल। मैं सबको कहता हूं जो हमारे कंट्रोल में है उस पे काम करो, जो कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोच के टाइम ना खराब करो, राइट? चलो सीखते हैं। डी कहता है, डी क्या है, कॉफिशियंट डिटर्मिनेंट। एक्स के कॉफिशियंट क्या है, a1 a2, उसको यहां रख दो। वाई के कॉफिशियंट क्या है, b1 b2, उसको यहां रख दो, ऐसे रख दो। ये आ गया डी। अब बारी है dx की, ये हम डिफाइन कर रहे हो, डिफाइन किया गया, ऐसे ऐसे डिफाइन किया जा रहा है। dx को कैसे डिफाइन किया गया, ये d है, उसके चरणों में एक छोटा सा x बैठा हुआ छुप के, ओके? बेटा जितनी भी बातें हैं रिगार्डिंग शेड्यूलिंग, अगला चैप्टर, एवरीथिंग, ये हम सेशन के एंड पे बात कर सकते हैं। लेट अस टॉक अबाउट इट इन द एंड ऑफ सेशन, नॉट नाउ। अभी करेंगे तो डेविएट होगा ना। अभी जो सीख रहे हो वो सीखो पूरा। एवरीबॉडी डू यू ऑल एग्री, अभी पूरा सीखेंगे, सेशन के एंड पे तुमने जो जो पूछना है सब पूछ लेना, ठीक है? तुम्हारे भाई को सब पता है, जो भी तुम्हारा प्लान चल रहा है तुम्हें सब बता दूंगा, पर अभी सारा फोकस यहां पे। तो dx, ठीक है? अभी कोई और बच्चा पूछेगा ना बेटो, बच्चों, तो तुम ही बता देना उनको कि ये सब बातें सर सेशन के एंड पे करेंगे, ओके? आज dx पे आ जाओ। dx कैसे लिखना है, डी में जो एक्स वाला कॉलम था, डी में जो एक्स वाला कॉलम था उसकी जगह पे राइट हैंड साइड रख दो c1 c2, बस, और बाकी सब सेम।
बाकी सब सेम, बाकी नहीं छेड़ना। फिर से सुनो, डी वाई कैसे लिखना है? डी में जो वाई वाला कॉलम था बी वन बी टू, उसकी जगह पे राइट हैंड साइड रख दो सी वन सी टू, बाकी सेम। तो दैट इज हाउ वी राइट डी डी एक्स डी वाई। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है डोंट वरी, अभी हम फिर द्वारा लिखेंगे प्रैक्टिस के लिए। वंस यू फाइंड देम, वंस यू फाइंड देम, तो रिजल्ट सेज x की वैल्यू डी एक्स बाई डी होती है और y की वैल्यू डी वाई बाई डी होती है। इट्स अ डायरेक्ट क्रैमर रूल एंड यू हैव टू यूज इट डायरेक्टली, ज्यादा सोचना नहीं है इस पे, डायरेक्ट यूज करना रूल है। फटाफट इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर हम 3/3 पे जाएंगे। कहते सॉल्व दिस सिस्टम यूजिंग क्रैमर रूल। तो लिखो पहले, सबसे पहले डी, डी क्या है? कॉफिशियंट डिटर्मिनेंट, एक्स के कॉफिशियंट 2, 3, वाई के कॉफिशियंट -5, 7। फिर dx लिखो, व्हाट इज dx? d में जो x वाला कॉलम था, x वाला कॉलम, उसकी जगह पे राइट हैंड साइड रख दो 17 -18, बाकी सब सेम, बाकी नहीं छेड़ना, परफेक्ट, यस वेरी गुड। देन dy, d में जो y वाला कॉलम था उसकी जगह पे राइट हैंड साइड और बाकी सब सेम 2, 3, काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। नाउ योर x इज dx बाई d एंड y इज dy बाई डी, खत्म, कुछ नहीं बचा। तो यहां पे ये डी वन डी टू भी कह देते हैं, डी एक्स डी वाई भी कह देते हैं, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। मैं प्रेफर करता हूं dx और dy कहना, समझना आसान रहता है। तो dx की वैल्यू इतनी आती है, dy कितनी आ गई? तो x क्या आ गया dx बाई डी और y क्या आ गया dx, सॉरी dy बाई डी। सवाल खत्म, खत्म, फिनिश्ड। अब आ जाओ 3/3 सिस्टम पे, अब आ जाओ 3/3 सिस्टम पे। 3/3 सिस्टम की अगर बात करें, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 3 वेरिएबल, फिर से सारा कॉन्सेप्ट क्या है? डी लिखो, डी एक्स लिखो, डी वाई लिखो, डी जेड लिखो, लिख लिया, काम खत्म। फटाफट प्रैक्टिस करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। आओ, डी कैसे लिखेंगे? डी, डी क्या है? कॉफिशियंट डिटर्मिनेंट, सबसे पहले एक्स के कॉफिशियंट, फिर वाई के कॉफिशियंट और फिर Z के कॉफिशियंट। लो जी, लिख दिया। फिर लिखो dx, dx कैसे लिखेंगे? विच कॉलम वी विल रिप्लेस? फर्स्ट कॉलम, जो x वाला कॉलम है उसको रिप्लेस कर दो राइट हैंड साइड के साथ d1, d2, d3। इन दोनों को कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही आ जाएंगे b1, b2, d3। चैट में फटाफट बता दो, कैन यू ऑल राइट dy एंड dz नाउ? Can you all write dy and dz? फटाफट चैट बता दो। No Suvir, not at all. Very good, very good. दोनों सेम है, d लिख लो, डेल्टा लिख लो बेटा, दोनों सेम है। मैं नॉर्मली d लिखता हूं, बुक्स में d भी लिखते हैं, डेल्टा भी लिखते हैं, सेम नोटेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता। Yes, very good. तो अब सेकेंड कॉलम विल बी रिप्लेस्ड, d1, d2, d3 एंड रेस्ट विल बी सेम, a1, a2, a3, c1, c2, c3. सिमिलरली वी कैन राइट डी जेड, टक टक पटाक। आगे तो बेटा x आ गया डी एक्स बाई डी, वाई आ गया डी वाई बाई डी और z आ गया डी जेड बाई डी, काम खत्म, और कुछ भी नहीं, ठीक, और कुछ भी नहीं। हाँ शौर्य बेटा, हो रहा है शौर्य, जो तुम कह रहे हो वो 100% हो रहा है। मैं तुमको सेशन के एंड पे नई डेट भी बता दूंगा, ओके। अगला देखो बेटा सवाल, क्रैमर रूल से सॉल्व कैसे करना है सवालों को, इक्वेशन को सॉल्व करना है। कितने बच्चे, पहले तो मुझे चैट बताओ कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं, ये तो मैं क्रैमर रूल से डायरेक्टली कर सकता हूं, बट ये वाला और ये वाला मैं क्रैमर रूल से डायरेक्टली नहीं कर सकता। यस और नो, डायरेक्टली नहीं कर सकता क्योंकि ये दोनों लीनियर नहीं है, ये दोनों लीनियर नहीं है, ओनली यही लीनियर है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग क्रैमर रूल। जितने भी क्रैमर रूल के आपके मतलब इंप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन है, वो सारा लीनियर सिस्टम पे है। अगर सिस्टम लीनियर नहीं है तो वो नहीं लगेगा। वेरी गुड। अब आती है बात जो लफी भी कह रहा है, बाकी भी कह रहे हैं, यस सर डायरेक्टली तो नहीं लगेगा बट अगर मैं दिमाग लगा के इसको कुछ ऐसा कह दूं, सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मेरा यही सिस्टम लीनियर बन जाएगा, तो मैं लगा सकता हूं। डू यू ऑल एग्री? इस पे मैं लगा दूंगा, सिमिलरली अगर यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं 1/x को u
वन बाय वाई को वी, वन बाय जेड को डब्ल्यू, तो ये लीनियर बन जाएगा, मैं इस पर लगा सकता हूं। क्या बन जाएगा बेटा? यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू। कितने बच्चे मेरी शैतानी को पकड़ पा रहे हैं कि मैंने अपना कष्ट बचाने के लिए सवालों को बहुत अच्छी तरह से लिया है? कितने बच्चे मेरी शैतानी पकड़ पा रहे हैं कि मैं अपना कैलकुलेशन का काम बचाने के लिए, थोड़ा टाइम बचाने के लिए, मैंने सवालों को बहुत इंटेलिजेंटली फ्रेम किया है, बहुत इंटेलिजेंटली फ्रेम किया है? कितने पकड़ पा रहे हैं बता दो। जी सर पकड़ लिया। सर सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये दोनों जो है यही बन रहे हैं। तो आप सर पक्की बात है कैलकुलेशन सिर्फ इसकी करोगे और उसी कैलकुलेशन को यहां भी यूज कर दोगे और वहां भी यूज कर दोगे। देखो बात तो सीखने की है, बात तो है कि सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए। अब उसके बाद मैं दोबारा कैलकुलेशन करके दिखाऊं क्या फायदा? सो लेट अस सॉल्व फर्स्ट और उसी को यूज करके बीसी पार्ट सॉल्व कर देंगे। तो आ जाओ बेटा ए पार्ट पे। ए पार्ट की बात करें बहुत ईजी है सॉल्व करना, मैं तो फटाफट डी निकालूंगा। मेरा डी कितना आ रहा है? वन वन वन, वन माइनस वन वन, थ्री टू माइनस फोर। और डी एक्स कितना आ रहा है? फटाफट बेटा दिमाग में करते जाओ, मैच करते जाओ। पहला कॉलम इंटरचेंज, सिक्स टू माइनस फाइव, वन माइनस वन टू, वन वन माइनस फोर। फिर डी वाई क्या आ रहा है? सेकेंड कॉलम इंटरचेंज करो, सिक्स टू माइनस फाइव, वन 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 थ्री, वन वन फोर। एंड फाइनली डी जेड क्या है? थर्ड कॉलम इंटरचेंज करो, सिक्स टू माइनस फाइव, फर्स्ट कॉलम वन वन थ्री, सेकेंड कॉलम वन माइनस वन टू। और जितना तुम मुझे जानते हो एवरीबडी, जितना तुम मुझे जानते हो, डोंट यू एग्री कि मैं तुम पे इतना तो डिपेंड करूंगा कि इसको तुम आराम से ओपन कर सकते हो? यस और नो? सिंपल थ्री बाय थ्री डिटरमिनेंट आराम से ओपन कर सकते हो। अब आराम से ओपन कर सकते हो अगर, तो मुझसे क्यों ओपन करवा रहे हो यार? तुम कर लो ना। सो डी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 14, 14, 28, 42। चलो टाइम बचाए, इसकी वैल्यू 14 आ रही है, इसकी 14, इसकी 28 और इसकी 42। ठीक है, सो आप जस्ट ओपन इट अप, सिंपल 3 बाय 3 डिटरमिनेंट है, कुछ दिमाग नहीं, सिंपल ओपन करके वैल्यू लिख देनी है। तो x क्या आ गया? dx, सॉरी dx कहां गया भाई? dx by d, 14 by 14, 1, y क्या आ गया? dy by d, 28 by 14, 2, और z क्या आ गया? 42 by 14, 3, तो x 1 है, y 2 है, z 3 है, वेरी गुड हैकर। x1 है, y2 है और z3 है। और अब हम करें जरा पिछला सवाल देखें, b और c पार्ट। तो b और c पार्ट में जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा ये ऐसा बनेगा, और इसकी कैलकुलेशन मैंने कर ही ली है। u आ रहा है 1, v आ रहा है 2 और w आ रहा है 3। डू यू ऑल एग्री? डू यू ऑल एग्री? यही आ रहे हैं। और इसके बाद रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, ये तो यू वी डब्ल्यू आया, तुम्हें एक्स वाई जेड चाहिए। यू क्या था? एक्स स्क्वायर। तो अगर यू वन है तो एक्स क्या आएगा? प्लस माइनस वन। अगर वी टू है तो वाई क्या आएगा? प्लस माइनस रूट टू। और अगर डब्ल्यू थ्री है तो जेड क्या आएगा? प्लस माइनस रूट थ्री। डू यू, और फटे मुंह हट गया यार। हाँ, डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? अगर u, v, w में से एक भी वैल्यू नेगेटिव आ गई होती तो तुम्हें इस सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं मिलना था, अनडिफाइंड हो जाना था। एक भी वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती तो कोरस्पॉन्डिंग x या y या z जो है वो अनडिफाइंड हो जाता, नॉन रियल हो जाता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहां पे तो तुम कर ही दोगे यार, अब तो क्या ही बचा है। सीधे आंसर लिख रहा हूं बेटा, यू आएगा वन, मुझे तो x चाहिए तो x आ गया 1, v आएगा 2 तो y क्या आ गया? 1 by 2, w आएगा 3 तो z क्या आ गया? 1 by 3। तो तुम्हें पहला कंसेप्ट तो समझ आ गया, सब्स्टिट्यूट करके लीनियर बनाओ और फिर क्रैमर रूल लगाओ। क्रैमर रूल सिर्फ लीनियर पे लगेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शाबाश, तो तुमने क्रैमर रूल से इक्वेशन सॉल्विंग तो सीख ली, इक्वेशन सॉल्विंग तो सीख ली, ठीक, वेरी गुड। अब आते हैं बेटा रिमार्क पे, जरा पढ़ो रिमार्क, छोटी सी डेफिनेशन, बेसिकली इट्स नॉट अ रिमार्क, इट्स अ स्मॉल डेफिनेशन, पढ़ो फटाफट।
तो जरा मुझे बताओ, समझ आता है? ऐसी इक्वेशन जिसमें जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं वो सारे जीरो हो, उस इक्वेशन के सिस्टम को होमोजीनियस कहा जाता है। ये होमोजीनियस है, पक्का होमोजीनियस है। क्या ये होमोजीनियस है? टेल मी इन द चैट, क्या ये होमोजीनियस है? a1x plus b1y plus 1 equal to 0, a2x plus b2y equal to 0, यहां पे भी राइट हैंड साइड 0 ही है, तो क्या ये होमोजीनियस है? वेरी गुड, तुम मेरी बात में नहीं फंसे। दिस इज नॉट होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब ये नहीं होता कि राइट हैंड साइड 0 है। होमोजीनियस का मतलब होता है कि उसमें कॉन्स्टेंट टर्म 0 है। यहां पे कॉन्स्टेंट टर्म आ गई बेटा, ये होमोजीनियस नहीं है, ये होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस में कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म नॉन जीरो नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट टर्म्स जीरो ही होने चाहिए सारे के सारे। बहुत बढ़िया। अब आता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन बेटा। अब सारे ज्यादा एक्टिव हो जाओ, बिकॉज दिस इज द टॉपिक जो जेई मेन या एडवांस में पूछा जाता है व्हेन इट कम्स टू डिटर्मिनेंट, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है ये। नाउ व्हाट इज नंबर ऑफ सॉल्यूशन? मैं अगर आपको कुछ इक्वेशंस का सिस्टम दूं तो आप उसको देखकर कैसे बताओगे कि कितने सॉल्यूशन आने वाले हैं? एक ही सॉल्यूशन आने वाला है, कोई सॉल्यूशन नहीं आने वाला, ज्यादा सॉल्यूशन आने वाले हैं, देख के कैसे बताओगे? और जो हम यहां पढ़ने लगे हैं वो सिर्फ लीनियर सिस्टम के लिए है, तो बी केयरफुल। सिर्फ लीनियर सिस्टम के लिए है, बी केयरफुल। ओके, और किसी के लिए पढ़ने लगे? सर लीनियर सिस्टम का तो एक ही आंसर आएगा, अभी तो पढ़ रहे थे हम dx by d, dy by d, dz by d, लीनियर सिस्टम का तो एक ही सॉल्यूशन आता है। ऐसा नहीं है, आओ तुम्हें समझाओ। तो बेटा जब भी आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाएगा आपने एक टेबल फॉलो करना है। पहले आप उस टेबल को फॉलो करके अप्लाई करना सीखेंगे, फिर उसके पीछे का एक ब्रीफ सा रीजन मैं दूंगा कि वाई इस टेबल में जो लिखा हुआ है वो क्यों होल्ड करता है, वो आपको मैं बताऊंगा बाय द एंड। पहले उस टेबल को अप्लाई करना सीखना है, वाई इन द एंड, एंड पता लगेगा। आ जाओ, तो टेबल कहता है अगर आपको एक सिस्टम दे दिया गया और आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे गए हैं, सबसे पहले डी निकालिए। डी ये वही है कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट, ये वही वाला डी है। या तो डी जीरो आ जाएगा या फिर डी नॉन जीरो आ जाएगा, नॉन जीरो आएगा या फिर जीरो। अगर डी नॉन जीरो आ गया आप स्ट्रेट अवे कंक्लूड करेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है। और ये सॉल्यूशन कौन से वाला है? ये वही सॉल्यूशन है जो आप अभी निकाल रहे थे, डी एक्स बाय डी, डी वाई बाय डी, डी जेड बाय डी, ये वही वाला सॉल्यूशन है। ये तभी आएगा जब डी मेरा नॉन जीरो है। अगर डी जीरो हो गया फिर ये नहीं आएगा, फिर ये काम खत्म हो गया, फिनिश्ड। ओके, तो सुनो, आपको पूछा गया सवाल में कि बताओ कि कितने सॉल्यूशन है, आपने निकाला डी। अगर तो डी नॉन जीरो आ गया आप कह देंगे यूनिक सॉल्यूशन, क्वेश्चन खत्म, यूनिक सॉल्यूशन, क्वेश्चन खत्म। पर अगर डी आ गया जीरो तो आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा, और वो स्टेप क्या है? dx dy dz को चेक करना, dx dy dz को चेक करना। ध्यान से सुनना, अगर d जीरो आ गया आपने dx dy dz चेक करने हैं। अगर ये भी सारे के सारे जीरो हैं, ये भी सारे के सारे जीरो हैं, तो आप कंक्लूड करेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और ये और मैं बाद में बताता हूं और समथिंग, पर d0 के बाद आपने dx dy चेक करने शुरू किए और देखा कि उनमें से कुछ नॉन जीरो आ गए, कुछ नॉन जीरो आ गए, एक भी नॉन जीरो आ गया, चलो यानी कि नॉट ऑल ऑफ dx dy dz आर जीरो, यानी कि कोई ना कोई तो नॉन जीरो आ गया, कोई ना कोई तो नॉन जीरो आ गया। यू विल कंक्लूड नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो फटाफट पहले टेबल को रिवाइज करेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि ये और वाला पॉइंट क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पे, ये मैं बाद बताता हूं। पहले टेबल को रिवाइज, शाबाश, सुनो मेरी बात। आपके पास क्वेश्चन आया फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, आपने सीधे निकाला डी। अगर तो डी नॉन जीरो आ गया आप कहेंगे इसका एक ही सॉल्यूशन है, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। पर अगर डी जीरो आया तो आपको एक स्टेप और करना है, और वो है dx dy dz चेक करना। अगर तो सारे के सारे dx dy dz जीरो आ गए
तो आप कह देंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और अगर एक भी नॉन जीरो आ गया तो आप कहेंगे नो सॉल्यूशन। मतलब टेबल याद हो गया राइट। यहां पे और में क्या है ये मैं बाद में बताता हूं अभी, पर पहले मैं इस इन दो तीन चीजों की प्रैक्टिस करवा दूं तुम्हारी। लेट अस प्रैक्टिस दीज टू थ्री पॉइंट्स फटाफट से। आ जाओ, मैं हर सवाल में बोलूंगा, ध्यान से सुनते रहना। सवाल को पढ़ो, सवाल को पढ़ो फटाफट। पहला सवाल, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या करोगे बेटा, क्या करोगे? सीधे डी निकालोगे। जहां पे क्वेश्चन आ गया नंबर ऑफ सॉल्यूशन का, पहला स्टेप डी निकालो, फटाफट डी निकालो। ए पार्ट डी, वन टू थ्री, पहले एक्स के कोफिशियंट, फिर वाई के कोफिशियंट, और फिर जेड के कोफिशियंट। ये क्या बन रहा है बेटा, वन इंटू फोर प्लस टू सिक्स, माइनस वन इंटू एट प्लस इलेवन हो गया, प्लस वन इंटू फोर माइनस थ्री वन हो गया। सर्टेनली नॉट जीरो आ रहा है, सर्टेनली नॉट जीरो। तो आप क्या कंक्लूड कर दोगे, यूनिक सॉल्यूशन, गेम खत्म, फिनिश्ड। ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन कह दो या यूनिक सॉल्यूशन कह दो, एक ही बात है बेटा। अब आ जाओ बी पार्ट। ए पार्ट खत्म हो गया, सवाल खत्म हो गया एक्चुअली। तो डी का नॉन जीरो आना बहुत फायदेमंद है, सवाल वहीं पे खत्म हो जाता है। अब बी पार्ट देखते हैं बेटा। तो फिर से पहला स्टेप तो डी ही था, डी निकाला, वन वन टू, वन टू थ्री, वन थ्री फोर। इसकी वैल्यू आप जब निकालेंगे ये आ जाएगी जीरो। आपको डायरेक्टली भी दिख रहा होगा, रो टू को रो थ्री में सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये वन 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 बनेगा, ये भी वन वन वन, ये भी वन वन वन, वैल्यू जीरो। अब बताओ क्या सवाल खत्म हो गया या मुझे अब एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा? यस रोहित, नॉक नॉक, कौन आया? भाई आया। आगे जाना पड़ेगा, और आगे जाने का मतलब क्या है, डीएक्स निकालो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। अगर डी जीरो आ गया, अब डीएक्स पे जाना पड़ेगा। मैं डीएक्स निकाल रहा हूं और साथ में प्रे करता जा रहा हूं, सुनते रहो, साथ में प्रे करता जा रहा हूं, काश डीएक्स नॉन जीरो आ जाए। डू यू ऑल एग्री? अगर डीएक्स नॉन जीरो आ गया तो मैं यहीं पे कंक्लूड कर दूंगा नो सॉल्यूशन। डू यू ऑल एग्री? अगर डीएक्स नॉन जीरो आ गया, मैं यहीं पे कंक्लूड कर दूंगा नो सॉल्यूशन। सुमित डजंट एग्री, बाकी एग्री करते हैं। सुमित बेटा तू भी एग्री कर ले, क्यों गुस्सा खाता है बेटा? पर अगर डीएक्स जीरो आया, पर अगर डीएक्स जीरो आया, फिर मेरे को डीवाई निकालना पड़ेगा। फिर से मैं डीवाई निकालते वक्त प्रे करूंगा, काश ये जीरो नॉन जीरो आ जाए। अगर डीवाई नॉन जीरो आ गया, मैं फिर से कह दूंगा नो सॉल्यूशन, काम खत्म। पर अगर डीवाई भी जीरो आ गया, फिर मुझे डी जेड निकालना पड़ेगा। दोबारा से टेबल को देखो, सारे के सारे जीरो तो इनफाइनाइटली है, कोई एक भी नॉन जीरो तो नो सॉल्यूशन। तो सर्टेनली मैं जब डीएक्स निकाल रहा हूं तो मैं कोशिश करूंगा नॉन जीरो आ जाए। अगर वो नॉन जीरो आ गया, सवाल खत्म हो जाएगा, वरना मुझे डीवाई निकालना पड़ेगा। अगर डीवाई भी जीरो आ गया तो मुझे डी जेड निकालना पड़ेगा, गेम डी जेड पे डिपेंड कर जाएगी। इसलिए मैं प्रे कर रहा हूं कि काश ये नॉन जीरो आ जाए। तो डीएक्स क्या रहा बेटा, राइट और राइट हैंड साइड मिसिंग है यहां पे, क्या करते हैं यार ये, एक मिनट बेटा सवाल देखना पड़ेगा। अरे यहां भी मिसिंग है, डीएक्स क्या है, टू, यहां पे टू है बेटा, मिसप्रिंट था सॉरी, क्या करते हैं। ओके सो टू फाइव इलेवन, वन टू थ्री, वन थ्री फोर, जीरो आ रहा है क्या? ऐसा मत बोलो यार, काम बढ़ाओगे यार, क्या आ रहा है ये, जीरो आ रहा है? बताओ क्या आ रहा है भाई, जीरो आ रहा है? ओए होए होए होए, दिल टूट गया मेरा। डीवाई निकालना पड़ेगा, डीवाई निकालना पड़ेगा क्या? चलो देखते हैं फटाफट क्या आ रहा है। टू इंटू एट माइनस नाइन माइनस वन, माइनस वन इंटू ट्वेंटी माइनस थर्टी थ्री, ट्वेंटी माइनस थर्टी थ्री कितना होता है भाई, 20 माइनस 33 माइनस 11 13 होता है, और कितना होता है, प्लस 1 इंटू 15 माइनस 22 माइनस 7, 13 माइनस 2 11, अरे नॉन जीरो आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है बेटा, क्या बात कर रहे हो, नॉन जीरो आ रहा है, बच तो गए। 2 इंटू 8 माइनस 9 माइनस 1 इंटू 20 माइनस 33 परफेक्ट है, देन 1 इंटू 15 माइनस 20, अरे नॉन जीरो आ रहा है यार, डरा रहे हो तुम लोग, मैं तो डर गया, मैं कहा डीवाई निकालना पड़ेगा अभी यार, मतलब टाइम लग जाता और तो क्या है, बे प्रेयर किया करो नॉन जीरो आ जाए, काम बच जाता है यार।
तो क्योंकि नॉन जीरो आ गया तो वी आर वेरी हैप्पी, भगवान ने सुन ली, माता रानी ने सुन ली हमारी, तो नो सोल्यूशन, पटाख खत्म, नो सोल्यूशन। अच्छा अब सबको टेबल याद हो गया, अगर ये जीरो आता तो मुझे डी वाई निकालना पड़ता, मुझे चेक करना पड़ता, ये सबको चमक गया ना। गॉड ब्लेस यू शीता, एवरीबॉडी गॉड ब्लेस यू, शाबाश। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जेई मेन में आता है, ये तो घटिया सवाल है पर आया था, मैंने रख लिया कि ऐसे सवाल भी जेई में आते हैं, हालांकि इसे बेटर आते हैं जो कि हम अब आगे करेंगे एग्जाम्पल्स, बट ऐसे भी आते हैं। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस 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 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। बोला गया है वो वाले के वैल्यूज बताओ जिसके लिए इसका यूनिक सॉल्यूशन आए। तो भैया डू यू एग्री, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि डी नॉन जीरो आ जाए, यस और नो? डू यू ऑल एग्री? वो चाहता है कि डी नॉन जीरो आ जाए। गिरीश बेटा आप अभी ट्वेल्थ में हुए हो तो ट्वेल्थ की बिगिनिंग के हिसाब से पढ़ना है आपको, और अगर आपकी ट्वेल्थ हो चुकी है, आप अपियरिंग हो, तो बेटा ये सेशन आपके लिए नहीं है, ये तो बेसिक बिल्कुल 11th 12th शुरू हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे जो 3D वाला रीजन है वो मैं एंड में बताऊंगा, बट उसकी डिटेलिंग नहीं, क्योंकि वो तो प्लस टू के एंड पे जाके आएगा ना पूरा। तो ऐसे बच्चे शैतानी मत करें जो 12th पढ़ चुके हैं और यहाँ पे आके बता रहे हैं कि सर इसका वो वाला पार्ट बताओ। कुछ पार्ट ऐसे हैं जो इसके 3D में आएंगे 12th के एंड पे, ठीक है? शैतानी नहीं करनी मेरे साथ, मैंने पिटाई कर देनी है बहुत, इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूं मैं। शाबाश। तो दे वॉन्ट की डी नॉन जीरो हो जाए तभी यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो डी क्या बना बेटा? 1 2 3 1 2 3। वाई क्या है? 1 1 2 1 1 2। और जेड के कोएफिशिएंट क्या है? 1 माइनस 1 के। ही वॉन्ट्स की ये नॉन जीरो हो जाए, ये नॉन जीरो होगा तभी तो यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो कर दो नॉन जीरो यार, क्या ही बनाया? के प्लस टू के भाई माइनस वन इंटू 2k plus 3 and finally 1 into 4 minus 3 should not be 0. क्या बन गया भाई? 3k minus k बन गया और ये बन गया 2 minus 3 minus 1 plus 1 0 0 ना? हाँ, k not equal, बेटे यही आ रहा है, चेक करो जरा, k not 0 आ रहा है। हाँ बिल्कुल, बच्चे ने सही बोल दिया। तो आंसर क्या आ गया? k 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो आंसर आ गया all real except 0, all real except 0, ठीक? very good। और गिरीश बेटा तेरे को किसने पैसे दिए हैं? क्यों मेरी क्लास में आके खेल रहा है यार, है? पैसे लेके ना आया करो यार, पढ़ने आया करो, खेलने ना आया करो। मेरे ख्याल से everybody here एक बार प्यार से बता दो, तुम सबको अपने भाई पे भरोसा है ना? तुम्हारा भाई बेटा 11-12 साल से पढ़ा रहा है, माशाल्लाह सिंगल डिजिट्स रैंक निकाल चुका है, तुमसे बहुत प्यार करता है, तो एक बच्चा ज़्यादा बेटर बता पाएगा कि कैसे पढ़ाना है या तुम्हारे भाई को पता है कि जैसे कैसे पढ़ाते हैं? एग्जैक्टली, गॉड ब्लेस यू ऑल। आ जाओ, सो के इज नॉट जीरो, दैट इज के कैन टेक एनी वैल्यू अदर देन जीरो। तो हमें बेसिक पता लग गया है। अभी हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला केस नहीं देखा हमने, जब dx dy dz भी जीरो आ जाता है। अब उससे पहले आओ पीछे, आ जाओ टेबल पे, ये लो, अब आ जाओ टेबल पे बेटा। मैंने टेबल में क्या कहा था कि यहां पे एक चीज और है जो मैं आपको बाद में बताता हूं। अब आ जाओ, अब इसकी बारी आ गई, सुन मेरी बात। अगर डी नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन है, अगर डी जीरो और इनमें से कोई एक नॉन जीरो, नो सॉल्यूशन। अब आ जाओ इस पे, अगर डी जीरो है और डी एक्स डी वाई डी जेड भी जीरो है तो होते हैं इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, या फिर एक छोटी सी पॉसिबिलिटी होती है नो सॉल्यूशन की। अब ये ध्यान से पढ़ना, तुम यहां पे कंफ्यूज भी हो सकते हो, तुम यहां पे बहुत अप्रिशिएट भी कर सकते हो, अप्रिशिएट वाला एटीट्यूड रखना। अब इस केस में या तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। अच्छा सर, अगर ये जीरो है और ये तीनों जीरो है तो भी नो सॉल्यूशन हो सकता है क्या? हो सकता है। सुनो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 2, 3x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 10,
कैन यू सी डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एनी क्रैमर रूल दैट इट हैज नो सोल्यूशन? कैन यू सी डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एनी क्रैमर रूल? इफ दिस इज वन, दिस कैन नॉट बी टेन, दिस गॉट टू बी थ्री. डू यू ऑल एग्री? If this is 1, then this got to be 3. It cannot be 10. बहुत बढ़िया. यही वो केस है जो यहां पे आता है. पर अब मेरी बात सुनो, डू यू एग्री? अगर ऐसा सवाल आएगा और आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे होंगे तो आप ये d0, dx, dy, dz नहीं निकालोगे. आप देखते ही बता दोगे कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. यस और नो? आप देखते ही बता दोगे कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. सो दैट इज द पॉइंट. इसीलिए मैक्सिमम बुक्स में इसके साथ इनफाइनिटली मैनी सोल्यूशन ही लिखा जाता है. काफी बुक्स में, कुछ अच्छी बुक्स में लिखा जाता है और नो सोल्यूशन. ये नो सोल्यूशन ऐसे केस में बनता है, इसमें डी जीरो आता है, डी एक्स, डी वाई, डी जेड भी जीरो आता है, बट होता नो सोल्यूशन है. तो बस बात वही है, ऐसा सवाल आएगा तो आपको वैसे ही दिख जाएगा नो सोल्यूशन है. बाकी सब केसेस में दिस इंप्लाइज इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशंस. शाबाश. आगे ये रहा सवाल. अब ये पिछला ये किया हमने, हाँ ये किया. सवाल पढ़ो. फाइंड लैम्डा फॉर विच दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड फाइंड द सॉल्यूशन आल्सो. कंसिस्टेंट का मतलब इट्स अ डेफिनेशन, मींस सिस्टम हैज सॉल्यूशन, हैज सॉल्यूशन. बस जिस सिस्टम का सॉल्यूशन होता है उसको कहते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन सिस्टम. ठीक है, अगर सॉल्यूशन नहीं होता तो कह देते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम. गॉट इट? तो सिस्टम होता है तो कंसिस्टेंट है, सॉरी सॉल्यूशन होता है तो कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन नहीं होता तो इनकंसिस्टेंट है. आओ सवाल लिखे आराम से. सवाल की इक्वेशंस है ये बेटा. सवाल को जरा आराम से पढ़ो. आपके पास इसके मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, बट अभी हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है क्रैमर रूल. तो अभी आप क्रैमर रूल से इसको प्रैक्टिस करो. आप हो सकता है सब्ट्रैक्ट कर करके वेरिएबल को हटाना चाहें कंप्लीटली, योर चॉइस, नो प्रॉब्लम. बट राइट नाउ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्रैमर रूल. तो कहता इस सिस्टम का सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए. तो पहले डी निकालते हैं, देखते हैं डी क्या आ रहा है, वहीं से गाड़ी आगे चलेगी. तो डी निकाला बेटा हमने. डी क्या आ रहा है? 1, 2, 1, 1 - 3 - 5, -2, 1, 4. जरा कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है? 0 आ रहा है. ध्यान सुनो, डी आया 0 और मैं चाहता हूं सॉल्यूशन हो. तो डू यू ऑल एग्री? आई वॉन्ट डी एक्स, डी वाई, डी जेड टू बी 0. डू यू ऑल एग्री? आई वॉन्ट डी एक्स, डी वाई, डी जेड टू बी 0. डू यू ऑल एग्री? यहां पे लैम्डा है, ऑफ कोर्स लैम्डा है, रख रहा हूं लैम्डा. डू यू ऑल एग्री? वेरी गुड. तो देखो सब कुछ डी से ड्राइव हो रहा है, सब कुछ डी से. तो ऐसे सवालों में पहले डी निकालना है, ये आपको अगला स्टेप बताएगा खुद से. तो डी आया 0, हम चाहते हैं सोल्यूशन हो, तो हम चाहते हैं ये तीनों भी 0 हो. तो डी एक्स, डी वाई, डी जेड को मैं 0 कर सकता हूं, राइट? वहां से लैम्डा आ जाएगा. लो जी, तो आपने इसको 0 किया, dx को 0 करते हैं फटाफट से. dx 0 करो, 0 0 लैम्डा 1 - 3 - 5 - 2 - 1 - 4. इसको 0 करके लैम्डा निकाल दो फटाफट. बता दो फट लैम्डा क्या आ रहा है? लैम्डा आ रहा है लैम्डा इनटू दिस 0, तो लैम्डा 0 आ रहा है. सेम वे dy 0 करोगे वहां से भी लैम्डा 0 आएगा, dz 0 करोगे वहां से भी लैम्डा 0 आएगा. तो बेसिकली इन तीनों से लैम्डा कॉमन आएगा 0, तीनों से लैम्डा एक ही आएगा. अब ध्यान सुनना, बहुत तगड़ा पॉइंट आने लगा, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ध्यान से सुनना. मान लो आपने dx 0 किया तो लैम्डा आया 0, dy को 0 किया तो लैम्डा आया 1, dz को 0 किया तो लैम्डा आया 2. तो फाइनल वैल्यू लैम्डा की क्या आएगी? आई एम गिविंग यू जस्ट अ पॉसिबिलिटी. मान लो इसी सवाल में इसको 0 करके लैम्डा आ रहा है 0, इसको 0 करके लैम्डा आ रहा है 1 और इसको 0 करके लैम्डा आ रहा है 2. तो फाइनल लैम्डा क्या लोगे बता दो?
कंफ्यूजन, थक गए, डर गए, तोते उड़ गए. इन दैट केस यू विल से देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा. वेरी गुड उमेद पटेल, बिकॉज इन तीनों का इंटरसेक्शन है, ये तीनों जीरो होने चाहिए एक ही साथ, एक साथ जीरो होने चाहिए. तो आपको वो लैम्डा पकड़ना है जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन. तो अगर इन तीनों से अलग अलग वैल्यू आ रही है, देयर इज नो वैल्यू कॉमन, यू विल से नो वैल्यू ऑफ लैम्डा इज देयर. बहुत बढ़िया, तो शाबाश. तो इसमें क्या हुआ, तीनों से लैम्डा जीरो ही आएगा, तीनों से लैम्डा जीरो आएगा. तो जब तीनों से लैम्डा जीरो आ गया, तो बेटा आपका सिस्टम क्या बन गया. अब मैं सिस्टम लिख रहा हूं, लैम्डा जीरो पुट कर दो, x प्लस वाई माइनस टू जेड इक्वल टू जीरो, टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस फाइव वाई प्लस फोर जेड इक्वल टू जीरो. सर आपने सिस्टम क्यों लिखा, अब सिस्टम क्यों लिखा. यस प्रताप अग्री, यस ऑफ कोर्स. सिस्टम क्यों लिखा, सवाल को पढ़ो क्या है. भैया ऐसा लैम्डा बताओ जिसके लिए सॉल्यूशन है, एंड फाइंड द सॉल्यूशंस आल्सो. हमें सॉल्यूशन भी फाइंड करने हैं. तो सवाल यहां पे खत्म नहीं हुआ है, यहां पर उसमें को लैम्डा मिल गया जिसके लिए सॉल्यूशन है, पर अब लैम्डा को रख के सॉल्यूशन फाइंड भी करने हैं, लैम्डा को रख के सॉल्यूशन फाइंड भी करने हैं. अब सुनो, अब तुम क्या टेक्निक सीखने लगे हो, ध्यान से सुनना क्या टेक्निक सीखने लगे हो. तीन इक्वेशंस हैं एंड वी नो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं. अब सॉल्यूशन निकालने हैं, एक बार चैट में चक दे लिख दो अगर प्रॉब्लम समझ आ गई है. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हैं, तीन तीन इक्वेशंस हैं और हमें वो सॉल्यूशन बताने हैं. अब प्रॉब्लम ये आ गई, आगे नहीं जा रहे आयशा भाई. तो अब आप सीखने लगे हो अगली कला कि यार ये जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं ये ढूंढते कैसे हैं, ये ढूंढते कैसे हैं. और बहुत घटिया मेथड होता है, एक वेरिएबल को के कह दो, एक वेरिएबल को के कह दो, काम खत्म खत्म. ये तीन इक्वेशन है ना बेटा, लेट जेड बी के, और इनमें से कोई दो इक्वेशन को पकड़ लो, कोई दो इक्वेशन को पकड़ लो, कोई दो इक्वेशन पकड़ो और z को कह दो k. तो x प्लस वाई इक्वल टू टू के, टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस के. यहां से x और y निकाल दो. आया याद, ये तुमने बचपन में पढ़ा हुआ है, जब वेरिएबल ज्यादा हो इक्वेशन कम हो तो एक वेरिएबल को k कह देते हैं. तो कोई दो इक्वेशन पकड़ लो, z को बोल दो k, निकाल दो. अपनी निकालते हैं, टू से मल्टीप्लाई करके तो थ्री से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो फाइव, फाइव तो के, एक्स भी दोनों बराबर आ रहे हैं, एक्स भी के आ रहा है, वाई भी के आ रहा है. आया मजा, आया मजा. तो आपके पास सॉल्यूशन क्या आ गए बेटा, आपके पास सॉल्यूशन है एक्स की वैल्यू के है, वाई की वैल्यू के है, और जेड तो आपने के लिया ही था. ये आपके सॉल्यूशन है, वेयर के कैन बी एनीथिंग, क्योंकि आपने जेड को के माना था, के कोई भी नंबर हो सकता है, के कोई भी नंबर हो सकता है. शाबाश. सो लेट मी कंक्लूड दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर एक सिस्टम है थ्री बाय थ्री का, सुनो, अगर एक सिस्टम है थ्री बाय थ्री का और आपको पता है कि उसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हैं, पर आपको वो सोल्यूशन निकालने हैं, तो कैसे निकाला जाता है. दो इक्वेशन उठाओ, Z को बोल दो K, X और Y को K की टर्म्स में निकाल दो, काम खत्म. ये रहा X का वैल्यू, ये रहा Y का वैल्यू, Z आपने K माना ही हुआ है, तो ये सॉल्यूशन आ गया. अब K को चेंज करते रहो, क्योंकि K तो एनी कांस्टेंट है, K को चेंज करते रहो, इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे. आगे नहीं जा रहे, बहुत बढ़िया, शाबाश, छा गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, छा गए, छा गए, छा गए. डी एक्स बाय एक्स, तान्या तुम क्या लिख रहे हो, मेरे को सेंस समझ नहीं आया बेटा. बेटा इसमें d भी जीरो है, डी एक्स डी वाई डी जेड भी जीरो है, तो डी एक्स बाई डी नहीं लगा सकते. डी एक्स बाई डी, डी वाई बाई डी, डी जेड बाई डी, ये सिर्फ तब लगेगा अगर d नॉन जीरो होगा, यूनिक सॉल्यूशन. अगर d जीरो हो गया तो इधर वो मेथड नहीं लग सकता, उधर वो मेथड नहीं लग सकता. शाबाश. तो ये इसका आ गया तरीका सॉल्व करने का, और ये तरीका बचपन में सीख चुके हो, याद करो ना यार, किया तो था. जब भी दो इक्वेशन तीन वेरिएबल होते कैसे सॉल्व करते थे, तीसरे वेरिएबल को के कह देते थे,
ताकि दो इक्वेशन दो वेरिएबल बन जाए, राइट तो ये रहा एक बहुत प्यारा सवाल। इस सवाल पे आपको टाइम लगाना है, अच्छा खासा टाइम लगाना है ताकि ये बैठ जाए, दो तीन कॉन्सेप्ट एक सवाल में पढ़े हमने। ये लो अगला सवाल देखो, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस 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 इज इनकंसिस्टेंट देन लैम्डा इक्वल, और ये बड़ा प्यारा सवाल आ गया। इनकंसिस्टेंट होना चाहिए यानी कि अब सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए। सॉल्यूशन कब नहीं आता सर जी? पहले तो डी जीरो होना चाहिए और डी एक्स डी वाई डी जेड में से ना कोई भी नॉन जीरो हो जाए तो सॉल्यूशन नहीं आता। या सुनो, तो पहले डी तो निकालना ही पड़ेगा सर, और डी को ना सर जीरो होना ही पड़ेगा। डू यू ऑल एग्री? डी को जीरो होना ही पड़ेगा। तो चलो डी को जीरो करते हैं। लैम्डा वन 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 लैम्डा वन 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 इक्वल टू सॉरी लैम्डा इक्वल टू जीरो। यहां से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी आपको, सीधे ओपन करके लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम चीटिंग मार ले, लैम्डा आ रहा है माइनस टू और वन, माइनस टू और वन। क्या ये मेरा आंसर है? इज इट आंसर? नो 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 नो। आंसर कैसे हो गया? अभी तो डी जीरो हुआ है, मुझे वो लैम्डा पकड़ना है जिसके लिए डी जीरो है एंड कोई ना कोई डी एक्स डी वाई या डी जेड नॉन जीरो है। यस और नो? कोई ना कोई तो नॉन जीरो है। तो एक काम करते हैं, लैम्डा इक्वल टू माइनस टू के लिए डी एक्स को चेक करते हैं, डी एक्स को चेक करते हैं और भगवान से प्रे करते हैं नॉन जीरो आ जाए। अगर नॉन जीरो आ गया तो पक्का माइनस टू मेरा आंसर है। माइनस टू के लिए डी जीरो है, डी एक्स नॉन जीरो है, बात बन गई फटे चकते। चलो चेक करें इसके लिए डी एक्स क्या बनता है। डी एक्स पहला कॉलम राइट हैंड साइड वन वन वन, बाकी सब सेम वन माइनस टू। मैं लैम्डा की जगह माइनस टू रख रहा हूं, वन 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 माइनस टू। प्लीज इसकी वैल्यू बताओ और भगवान करे नॉन जीरो हो। इसकी वैल्यू बताओ और भगवान करे कि नॉन जीरो वैल्यू हो। प्रे करो भगवान को नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो। फटे तो नॉन जीरो आ रही है। फोर माइनस वन थ्री, फिर सिक्स, नॉन जीरो आ रही है, नॉन जीरो आ रही है, बिल्कुल नॉन जीरो आ रही है, नॉन जीरो आ रही है। माइनस टू, हाँ तो माइनस टू लिखा बेटा, लैम्डा माइनस टू लिखा है। माइनस टू और वन दो वैल्यूज आ रही हैं, लैम्डा की दो वैल्यूज आ रही है, माइनस टू एक वन। वो डू यू एग्री? माइनस टू के लिए तो पक्के से नो सॉल्यूशन है। मैं डी वाई डी जेड नहीं निकाल रहा अब, मैं डी वाई डी जेड नहीं निकाल रहा अब। डू यू अंडरस्टैंड? अगर डी एक्स जीरो आ जाता फिर मुझे डी वाई भी चेक करना पड़ता, अगर डी वाई जीरो आ जाता फिर मुझे डी जेड भी चेक करना पड़ता, पर माता रानी की कृपा होगी डी एक्स ही नॉन जीरो आ गया। सो पक्की बात है लैम्डा इक्वल टू माइनस टू पक्के से नो सॉल्यूशन देता है। अब भाई बात दूसरी वन की, अगर लैम्डा को वन ले लूं, अगर लैम्डा को वन ले लूं, कैन यू सी लैम्डा को वन लेके तीनों इक्वेशंस सेम बन रही हैं, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इक्वल टू वन, राइट? तीनों इक्वेशन सेम बन रही हैं, या ऐसा कह लो कि इसके साथ डी एक्स डी वाई डी जेड तीनों जीरो आ रहे हैं क्योंकि तीनों के तीनों रोज सेम होंगे, तीनों रोज सेम होंगे, वन 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 वन। तो इसके लिए तो भैया इनफाइनाइटली सॉल्यूशन हो गए। मुझे पूछा गया था नो सॉल्यूशन, तो आंसर आ गया लैम्डा इक्वल टू माइनस टू। सेशन के बाद इस सवाल को प्लीज पांच मिनट दोबारा देना, ऐसी चीज बैठेगी दिमाग में, मैं कहता हूं नजारे आ जाएंगे। अभी तो मैं आ गया मजा, बट अभी बात वही है, ये मेरा नॉलेज है, मैंने किया, तुमने सेशन के बाद खुद करके इसको अपना नॉलेज बना लेना है, बस फिर नजारे आएंगे। वेरी गुड। तो आंसर इज लैम्डा इक्वल टू माइनस टू इज द ओनली आंसर। मैं तुम्हारा पॉइंट समझ गया कि ऑप्शन में वन था ही नहीं तो वन चेक क्यों करना है, बट बेटा समझाना तो है ना तुमको, ये कौन सा तुम्हारी प्लस टू की रिवीजन चल रही है, ये तुम्हारा प्लस टू का स्टार्ट हुआ है, तुम्हें तो पूरा सीखना है। वेरी गुड। डिग्री ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है? डिग्री बिना कुछ होता ही नहीं है, ऑर्डर ही होता है, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट होता है, डिग्री ऑफ डिटरमिनेंट कुछ नहीं होता, ठीक है? आ गया, अब ऐसे सवालों को कर दोगे बताओ फटाफट? सिर्फ देखने में गंदा बना दिया उसने, सवाल बहुत आसान है, देखने में बदसूरत बना दिया, किसी जगह पे एक्स नहीं लिखा, किसी जगह पे वाई नहीं लिखा, किसी जगह पे जेड नहीं लिखा, सिर्फ देखने में बदसूरत बनाया। सवाल बहुत इजी है, सिंपल नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हैं। हमेशा अगर तुमने देख लिया तीन वेरिएबल इन्वॉल्व हैं
अगर तुमने देख लिया तीन वेरिएबल इन्वॉल्व है तो तीनों इक्वेशन को पहले लिखो प्रॉपरली, जो वेरिएबल मिसिंग है उसको जीरो के साथ लिख दो, सो दैट आपके कोफिशिएंट गलत ना हो जाए, माइनस एक्स, यहां वाई मिसिंग है तो जीरो इंटू वाई, तीनों लिखो जरूर, अदरवाइज पक्के से गलती होती है, जीरो इंटू जेड। अब मुझे पूरा पिक्चर क्लियर हो रहा है, अब बहुत आसान हो गया, राइट, बहुत बढ़िया। अब मैं डी निकालूंगा, सारा सवाल वहीं से होना है। पहला स्टेप डी, जीरो माइनस वन वन, वन जीरो माइनस टू एंड माइनस वन टू जीरो, क्या ये नॉन जीरो आ रहा है, दिल खुश हो जाएगा, वही तो जीरो आ रहा है। और बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन की लफी, गॉड ब्लेस बेटा, छा गए, इसको तो ओपन करके तो आ ही जाएगा, ओपन किए बिना भी बता सकते ये जीरो है। स्क्यू सिमेट्रिक ऑड ऑर्डर, स्क्यू सिमेट्रिक ऑड ऑर्डर, स्क्यू सिमेट्रिक ऑड ऑर्डर, तो सीधे भी बोल सकते हो जीरो है। अब अगर डी जीरो आ गया तो काम खत्म नहीं हुआ यार, भगवान ने उतनी नहीं सुनी, भगवान कहता डीएक्स पे जा, अब तो डीएक्स पे जाना ही पड़ेगा। काश ये नॉन जीरो आता, हम कह पाते यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, पर जीरो नहीं आया, कहता कि डी जीरो है, तो अब मुझे डीएक्स निकालना पड़ेगा। चलो डीएक्स निकाले, वन माइनस टू थ्री, वन जीरो माइनस टू, माइनस वन टू जीरो, प्लीज फाइंड इट एंड कीप प्रेइंग कि ये जीरो आ जाए यार, काम रुक जाए। अगर ये जीरो सॉरी नॉन जीरो आ जाए, जीरो क्यों आई, जीरो की प्रेयर नहीं करनी, नॉन जीरो की प्रेयर करनी, काश ये नॉन जीरो आ जाए और मैं यहीं पे कंक्लूड कर दूं, नो सॉल्यूशन, काम खत्म, डी वाई पे जाना ही ना पड़े, गॉड ब्लेस यू बेटा। तो बताओ वैल्यू क्या आ रही है इसकी, जीरो नॉन जीरो आ रही, कुछ आ रही है, नॉन जीरो आ रही है, मैं कहा सच्ची बोल, झूठ नहीं बोलना, वन इंटू फोर माइनस वन इंटू माइनस सिक्स, ठीक है, हाँ, एंड माइनस वन इंटू फोर, नॉन जीरो आ गई, नॉन जीरो आ गई, बच गए, नो सॉल्यूशन, मैं कह पाओ पंगड़े, नो सॉल्यूशन, जीरो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। वो देख रहे हो नॉन जीरो आना कितना जरूरी है, काम बच जाता है, सारा काम बच जाता है, गॉड ब्लेस यू। अगर यहां पे डीएक्स जीरो आ जाता फिर मुझे डी वाई चेक करना पड़ता, और अगर वो भी जीरो आता फिर मुझे डी जेड चेक करना पड़ता, थोड़ी हालत टाइट हो जाती है, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, शाबाश, तो आंसर आ गया नो सॉल्यूशन। अब हम पकड़ेंगे होमोजीनियस सिस्टम को, पढ़ो सर डेफिनेशन, तब तक पानी पी ले, पानी आ गया। होमोजीनियस सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम जेई की बात करें, मेंस चाहे एडवांस्ड, दोनों में ही होमोजीनियस सिस्टम ज्यादा पूछा जाता है। जब यहां पे तीनों जीरो, तीनों कांस्टेंट टर्म जीरो हो तो उसको होमोजीनियस कहते हैं, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो ऑब्जर्वेशन बहुत तकड़ी हैं, बहुत प्यारी ऑब्जर्वेशन है। कैन यू सी, कैन यू सी होमोजीनियस सिस्टम का एक सॉल्यूशन तो तुमको 100% आता ही आता है, यस ऑर नो, वेरी गुड, बच्चों ने लिख भी दिया, एक सॉल्यूशन तो इसका तुमको पता ही है, देख के ही पता है, विदाउट सॉल्विंग पता है, विदाउट सॉल्विंग पता है, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो is always a solution, is always a solution, satisfy करेगा करेगा। अब एक जवाब दो, अगर मैं तुमको बोलूं एक homogeneous system देकर कि इसका no solution है, क्या ये possible है, is it possible? मैंने तुमको एक homogeneous system दिया और मैंने कहा इसका कोई solution नहीं है, तो क्या ये possible है, टेल मी, क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल, वेरी गुड, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक सॉल्यूशन तो हमेशा ही है, तो नो सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता, तो नो सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर एक होमोजीनियस सिस्टम है तो उसमें बेटा दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी, हमेशा दो ही पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी यूनिक सॉल्यूशन और दूसरी पॉसिबिलिटी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशन वाला पॉसिबिलिटी नहीं होता, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसमें दो ही पॉसिबिलिटी है। हर्ष बेटा ओके, मेरे को पता लग गया बेटा, दो ही पॉसिबिलिटीज है, आया समझ, नो सॉल्यूशन कभी आ ही नहीं सकता होमोजीनियस में। गेम आसान हो गया बेटा, होमोजीनियस में अगर तो डी नॉन जीरो आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन,
अगर डी जीरो आ गया तो इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है. डू यू ऑल एग्री? नो सोल्यूशन हो ही नहीं सकता. सिर्फ दो ही चीजें हैं, डी नॉन जीरो तो यूनिक सोल्यूशन, डी जीरो तो इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन. मैं क्या आगे नहीं जा रहे? आ गया मजा? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. अच्छा अगर मैं बोलूं, अब सोच के जवाब देना, सोच के बहुत प्यारी चीज पूछने लगा हूं. मैं बोलूं कि एक होमोजीनियस सिस्टम है, उसका ना एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, तो डू यू एग्री? मैं इनडायरेक्टली बता रहा हूं कि उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, यस और नो? एक होमोजीनियस सिस्टम है, मैं बोलूं कि उसका ना एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, तो डू यू एग्री? मैं इनडायरेक्टली बता रहा हूं कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं. अगर ये दिमाग में रहता है तो आओ चलो सवालों की ओर बढ़ें. ये मैंने बता दिया. अच्छा, जीरो जीरो सॉल्यूशन जो है उसको ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कहते हैं. ट्रिवियल एक इंग्लिश वर्ड है, यानी कि ऑब्वियस, अंडरस्टूड. हमें दिख ही रहा है कि एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो सेटिस्फाई कर ही रहे हैं, तो इसको ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कह देते हैं, जीरो सॉल्यूशन भी कह देते हैं. ऑब्वियस सॉल्यूशन है ये. सवाल देखो बेटा, मैं क्या चको फटे, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम. कुछ सॉल्व तो कर लोगे? और पहली बात, यार फोर कहां से आ गया यार? ओके, सॉल्व तो कर दोगे, यस और नो? है ना सर, सॉल्व करेंगे कैसे? इसमें तो dx dy dz जीरो आ रहे हैं, इसमें तो dx dy dz जीरो आ रहे हैं. हाँ तो क्या हो गया? तुम d निकालो यार. d क्या आ रहा है? 3 1 2 -4 1 3 5 2 1. तुम d निकालो. ये जीरो है या नॉन जीरो है? इसको ओपन करो, ये नॉन जीरो आ रहा है. नॉन जीरो का मतलब क्या है? यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन. तो बेटा इसका एक सॉल्यूशन तो मेरे को पता ही है, ये रहा मेरा आंसर. डू यू एग्री? मैं कुछ सॉल्व ही नहीं कर रहा आगे. आई एम नॉट सॉल्विंग इट. अगर डी नॉन जीरो आ गया, मुझे पता है एक ही सॉल्यूशन है, और अगर एक ही सॉल्यूशन है तो वो तो मुझे पता ही है कि ये तो हमेशा ही होता है, ये तो हमेशा ही होता है. अब बी पे आ जाओ. मैंने डी निकाला, 1 1 3 1 -2 6 -1 1 -5. इसकी वैल्यू निकालो, ये जीरो आ जाएगा, इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी. देखो जरा फटाफट, और ये लो -2, गुस्सा नहीं खाते. इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी. जीरो का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. तो इसकी तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है. किस किस को याद है, अभी 15 मिनट पहले ही हमने इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकालने सीखे हैं. कैसे निकाले थे? जस्ट पिक एनी टू इक्वेशंस और z को k बोल दो, एंड लेट z बी k. सबको आ गया याद? अभी सीखा है, कराने की जरूरत तो नहीं है, अभी के अभी सीखा, बहुत बढ़िया. तो x प्लस वाई इक्वल टू के, एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस के. इसको सॉल्व कर लो, x और y क्या क्या आ जाएंगे देख लेना. तो होमोजीनियस सिस्टम सॉल्व करना बहुत आसान है. अगर तो यूनिक सॉल्यूशन है, फिर तो सॉल्व करना ही कुछ नहीं है, आंसर है 0 0 0. और अगर इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशन है, तो कोई दो इक्वेशन पकड़ के z को k बोलो, सवाल खत्म. आगे नहीं जा रहे? तो इसमें जब d जीरो आएगा, आप z को k बोल के खत्म कर देंगे. तो यहां पे x आता है k by 3 by 2k by 3 और z आपने k माना ही हुआ है. तो दीज आर द इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशंस. हर्षित बेटा समझ गए? राइट, बहुत बढ़िया. अदिति शाबाश, बहुत बढ़िया जा रहे हो, छा गए. अब ये सवाल पढ़ो मेरा, अब तुम्हें थोड़ा मजा आना शुरू होगा, क्योंकि अब तुमको सारी वो टेबल प्रॉपर छप गई है दिमाग में. कंप्लीट टेबल तुमको छप गया पूरा. द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ दिस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. होमोजीनियस में दो ही चीजें होती हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और कुछ होता ही नहीं. यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब डी नॉन जीरो होता है. और इनफाइनिटली कब होता है? जब डी जीरो होता है. ही जस्ट वॉन्ट कि डी जो है वो जीरो हो. ही जस्ट वॉन्ट कि डी जो है जीरो हो जाए, तभी मेरा इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशन आएगा. काम खत्म. तो बेटा 2 2 7 3 -1 लैम्डा और -2 3 -1 दिस शुड बी जीरो. यू कैन इजिली फाइंड लैम्डा. अब इसका थोड़ा वेरिएशन शुरू करें.
लैंग्वेज में थोड़ा वेरिएशन, कि वो लैंग्वेज में कैसे वेरिएशन क्रिएट करेगा, कैसा सवाल बनाएगा. ठीक, यस आंसर इज 57/10. जस्ट पुट डी इक्वल टू जीरो और कुछ नहीं करना. अब मैं लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखना, लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं. ठीक है, पढ़ो इसको, जितनों को समझ आता है लिख दो मेरा भाई मेरा भाई, जितनों को डाउट है लिख दो सॉरी सर जी, जितनों को समझ आता है लिख दो मेरा भाई, जितनों को डाउट है लिख दो सॉरी सर जी. गॉड ब्लेस यू आयुष. गॉड ब्लेस यू, शाबाश शाबाश, छा गए. ओके विमल, नेवर माइंड, जस्ट जोर लगाते जाओ. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, छा गए छा गए छा गए छा गए छा गए, बहुत बढ़िया. तो एक दो बच्चों को डाउट है, बाकियों को सबको चमक गया, बहुत बढ़िया. अब सुनो, जिसको डाउट है वो देखो, होमोजीनियस सिस्टम, जैसे ही मैंने ये देखा तुमको पता है कि ये तो सॉल्यूशन इसका है ही. डू यू ऑल एग्री? जीरो 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 सॉल्यूशन तो है ही, हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन, हैज नॉन जीरो, मतलब एक इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन भी है. तो डू यू एग्री, वो तुमको बताना चाह रहा है एक से ज्यादा सॉल्यूशन है. डू यू ऑल एग्री? एक से ज्यादा सॉल्यूशन है. अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन है तो इनफाइनाइटली मैनी ही होंगे और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है. राइट, आगे नहीं आ रहे? यस अब्दुल, यस आयशा भाई. अब सुनो, बार बार कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इस करके एक चीज को मैं कहूंगा, रट्टा ही मार लो. होमोजीनियस सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन के अलावा कुछ भी लिखा हो, सब कुछ इनफाइनाइटली मैनी ही होता है. यूनिक सॉल्यूशन के अलावा कुछ भी लिखा हो, सब कुछ इनफाइनाइटली मैनी ही होता है, यानी कि डी जीरो ही करना होता है. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस 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 हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन. भैया ट्रिवियल के अलावा कुछ भी लिखा है तुमने डी को जीरो ही करना है. नॉन जीरो लिखा है, जीरो यूनिक के अलावा कुछ भी लिख दिया तो डी को जीरो ही करना है, कुछ और करना ही नहीं. तो लो बेटा, बस वन वन वन, टू ए, दूसरा क्या भाई, थ्री बी, फोर सी, और अगला क्या है, बी नहीं, बी नहीं था, ए था, ए बी और सी, इसको जीरो करना है. कैन यू सिंपली ओपन इट अप एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर? से यस और नो इन द चैट. कैन यू सिंपली ओपन इट अप एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर? आंसर नहीं पूछ रहा, ओपन करना जानते हो ना. सिंपल ओपन कर दो, छोटे छोटे से टर्म, प्यारे प्यारे कुची पुची से ओपन करो. वन इंटू थ्री बी सी माइनस फोर बी सी बचा माइनस बी सी, फिर माइनस टू ए इंटू सी माइनस बी, फिर ए इंटू फोर सी माइनस थ्री बी, ओपन कर दो, जो मैच कर रहा है वो तुम्हारा आंसर. बेटा जिसको भी आधार का नहीं पता है, प्लीज आप बी जेई इलीट लाइव का जो हमने लॉन्च किया था वो देखो, उसमें आपको पता लगेगा कि हम आपको हर एक चैप्टर चार हिस्सों में कराते हैं. पहला आधार होता है, इसमें पूरा चैप्टर पढ़ाया जाता है पूरा. फिर आता है तपस, जब इस चैप्टर के डीपीपी के जो टॉप प्रॉब्लम्स हैं उसका सेशन होगा. फिर आता है मंथन, जब इस चैप्टर के जितने भी पी वाई क्यू हैं, जेई मेन एंड एडवांस्ड, उसका बेस्ट लॉट आपसे सॉल्विंग सेशन किया जाएगा. एंड फिर आता है परख, जब आपका मॉक टेस्ट दिया जाएगा. ठीक है, तो ये पूरा एक प्रोसीजर है जो आपको इस इलीट लाइव में मिलने वाला है. तो इसीलिए ये जो इलीट लाइव है बेटा, हमने बहुत सोच समझ के बनाया है. अगर रेगुलर लगाओगे छा जाओगे, इसके जैसा कोई तोड़ नहीं. एंड लेट मी टेल यू, आई एम वेरी, आई फील वेरी लाइक हैप्पी कि जब हेल्दी कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, तो हम सारे, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ही, हम भी कहीं ना कहीं एक दूसरे की जो स्ट्रेंथ होती हैं उनको देखते हैं, उनसे सीखते हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी, हमारा जो इलीट लाइव है इसको देखकर कुछ कॉम्पिटिटर्स ने वो पॉइंट्स इन्वॉल्व कर लिए अपने प्लान्स में भी, जो पहले उनके प्लान में नहीं थे. पर क्योंकि हमने यहाँ पे हर एक चीज़ को कवर कर दिया, सेशन, डीपीपी, प्रीवियस ईयर, मॉक टेस्ट, तो इसी चीज़ को कुछ और इंस्टीट्यूट्स ने भी मतलब आई विल नॉट से कॉपी, दे इनकॉर्पोरेटेड इट एंड इट्स वेरी गुड, क्योंकि फाइनली फायदा बच्चों का होता है. हम भी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो दूसरों से सीखते हैं, राइट, सेम वो भी हमसे सीखते हैं. तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि हाँ, इसके प्रोसीजर में बच्चों का बहुत फायदा होता है. ठीक, ग्रेट. अगला सवाल देखो,
ओह बड़ा प्यारा सवाल है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस 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 हैज नॉन जीरो सोल्यूशन, वो देख पा रहे हो होमोजीनियस है, बस दिया अलग तरीके से हुआ है, होमोजीनियस है, सब कुछ एक साइड पे लेके आओ, x माइनस सी वाई प्लस माइनस बी जेड इक्वल टू जीरो, सब कुछ एक साइड पे लेके आओ, माइनस सी एक्स प्लस वाई माइनस ए जेड इक्वल टू जीरो, माइनस बी एक्स माइनस ए वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, होमोजीनियस है, सब कुछ एक साइड पे ले आओ, और लिखा क्या है नॉन जीरो सोल्यूशन, नॉन जीरो सोल्यूशन मतलब डी जीरो, जैसे ही डी जीरो करोगे आंसर आ जाएगा, काम खत्म, और इसको सीधे ओपन कर दो, कुछ है ही नहीं, सीधे ओपन कर दो, सीधे ओपन कर दो, कैंट और शाबाश, बहुत बढ़िया, जस्ट ओपन इट अप, तो जैसे ओपन करोगे ये क्रिएट हो जाएगा, और इसी की वैल्यू आपसे पूछी गई है, इसी की वैल्यू आपसे पूछी गई है, राइट सो जैसे ओपन करोगे ये आपकी क्रिएट हो जाएगी चीज यहां पे, और इसकी वैल्यू वन आ जाती है, सिरा सिरा भाई सो आप समझ लो ये डिफरेंट डिफरेंट शक्लें हैं जो आपको एक ही चीज के लिए पूछी जा सकती हैं। लास्ट में छोटी सी एक दो एप्लीकेशंस और हैं, फिर आज का चैप्टर भी पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा डिटरमिनेंट्स, एक है एरिया ऑफ ट्रायंगल थोड़ा बहुत, और एक है कॉन्कुरेंसी ऑफ लाइन, ये आपने 11th में पढ़ा हुआ, फिर से मैं रिपीट कर दूं, अगर एक ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टिसेस पता हैं तो उसका एरिया कैसे लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ हाफ टाइम्स एक्स कोऑर्डिनेट्स वाई कोऑर्डिनेट्स एंड 1 1 1, दिस इज द एरिया, बच्चों को याद है, बोलो याद है बच्चों को, ये आपने 11th में स्ट्रेट लाइन में कोऑर्डिनेट की बिगनिंग पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे भी निकाला जाता है, तो क्योंकि ये डिटरमिनेंट की टर्म्स में ही है तो इसको एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट कह देते हैं, एज सच कोई बहुत बड़ी वैल्यू बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ओके मैं इस पे आ गया, मैं एक चीज छोटी सी बतानी भूल गया क्रैमर रूल के बारे में, मैं एक छोटी सी चीज बता दूं फिर मैं इसका सवाल करता हूं, क्रैमर रूल जो है, जो हमने ये डी डी एक्स डी वाई डी जेड बनाए, वहां से कुछ कुछ चेक किया, डी नॉन जीरो है तो यूनिक है, डी जीरो है तो डी एक्स डी वाई डी जेड देखने हैं, इन चीजों का फिजिकल अंडरस्टैंडिंग आप जब 12th का लास्ट चैप्टर की ओर बढ़ोगे 3D आएगा, एंड में आएगा, तो 3D में आप देखोगे कि जो डी डी एक्स डी वाई डी जेड इनका जीरो या नॉन जीरो होना क्या डिपिक्ट करता है, एक्चुअली वी डील विद द प्लेन्स, जितनी भी इक्वेशन है ना एक्स वाई जेड में, ये प्लेन्स की इक्वेशन है, और हम 3D में पढ़ेंगे कि डी के जीरो होने से होता क्या है, प्लेन्स कैसे दिखते हैं, ओके तो आपको इसका फिजिकल अंडरस्टैंडिंग भी आएगा, समझ, अभी तो आपने टेबल याद किया है और अभी याद ही करना है, इसका फिजिकल अंडरस्टैंडिंग भी आएगा जब आप 12th के एंड पे 3D पढ़ेंगे, ठीक है ओके सो बेटा अब एक बच्चा पूछ रहा है व्हाई यू हैव स्टार्टेड इनइक्वालिटीज फर्स्ट फॉर 10th टू 11th मूविंग, ये कैसा डाउट है बेटा, पहली बात तो अभी 10th मूविंग टू 11th शुरू ही नहीं किया हमने, उनका तो अभी सिर्फ एक फाउंडेशन का कोर्स शुरू किया था, देखते हुए कि उनका पेपर लेट है, आपका स्टार्टिंग अलग जगह से होगा, ओके आपका स्टार्टिंग बेसिक मैथ से होगा, एंड दूसरी बात ये राइट नाउ ये सही टाइम नहीं है पूछने का, सेशन खत्म होने वाला है फिर मैं आपके क्वेरीज के आंसर देता हूँ, आ जाओ, सो इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 8 स्क्वायर यूनिट हूज वर्टिसेस आर दिस 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 द वैल्यू ऑफ के, ये 11th का क्वेश्चन है बट ठीक है यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा तो कर लेते हैं, राइट बेटा मुझे पता है एरिया क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ हाफ इंटू पहले एक्स कोऑर्डिनेट -4 0 0 फिर वाई कोऑर्डिनेट 0 2 k फिर 1 1 1 इज इक्वल टू 8, तो यहां से आपने k बताना है, ध्यान क्या रखना है बेटा, ये ध्यान रखना है मैग्नीट्यूड है, बच्चे अक्सर मैग्नीट्यूड भूल जाते हैं, जरा मुझे चैट बताओ अगर किसी चीज का मैग्नीट्यूड, किसी चीज का मैग्नीट्यूड 8 है तो वो चीज क्या होगी, अगर किसी चीज का मैग्नीट्यूड 8 है तो वो चीज क्या होगी, प्लस माइनस 8 होगी, प्लस माइनस 8, डू यू ऑल एग्री, अगर इस चीज का मॉड 8 है तो ये चीज क्या है, या तो 8 या माइनस 8, तो बस वही यही ध्यान रखना है यहां पे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज 8, तो ये क्या होगा, प्लस 8 और
माइनस एट, तो आपके पास k की दो वैल्यूज आएंगी, बस यही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपके पास k की दो वैल्यूज आ जाएंगी। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बहुत ही छोटी सी चीज, ठीक साईं बेटा। अगर मैं किसी चीज को जवाब नहीं दे रहा मतलब वो चीज डिस्कस करने वाली नहीं है, ठीक है। ओके, मैंने वैसे पढ़ लिया आपका, लेट अस मेंटेन सम सैंक्टिटी, नो एक अच्छा बिहेवियर, एक अच्छा एनवायरनमेंट रखते हैं। क्यों ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे डिस्कशन में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आने के चांसेस हैं, मेरे नहीं तो तुम्हारे मन में, राइट। सो लेट अस कीप एवरीथिंग पॉजिटिव, एक पॉजिटिव माहौल में पढ़ते हैं, राइट। आ जाओ कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, या मैं तुमको तीन पॉइंट दे दूँ और बोलूँ चेक करो कि कोलिनियर है या नहीं है, मेरे को लगता कोई भी डिटर्मिनेंट लगाएगा, तुम सीधे स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ बी सी निकालोगे, अगर वो सेम आ गई तो कोलिनियर है, यस और नो, स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ बी सी अगर सेम आ गई तो कोलिनियर है वरना नॉट कोलिनियर। हाँ वो अलग बात है, अगर तुम ट्रायंगल यूज करना चाहो तो कह दोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो है। तो कोलिनियरिटी के लिए कोई डिटर्मिनेंट का बहुत तकड़ा एप्लीकेशन नहीं है, आप इसके बिना सिंपल स्लोप से भी प्रोसीड कर सकते हो। बस हाँ है एप्लीकेशन तो यहाँ दिखा रहा हूँ, काम कोई नहीं है इसका, ठीक है, काम कोई नहीं है। कुलदीप बेटा इस जेई इलीट लाइव का टाइम स्लॉट 11th मूविंग टू 12th बच्चों के लिए 1:30 से 4 है बेटा, ठीक है, और इसमें एक दो सेशन रात को 8 से 10 में आते हैं, जैसे मॉक टेस्ट जो है वो रात में होगा, ठीक है। ओके कॉन्कुरेंसी, दिस इज द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तीन लाइंस कॉन्कुरेंट हैं, इसकी कंडीशन क्या है, ठीक है। कॉन्कुरेंसी मतलब तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास करती हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्कुरेंसी, नथिंग मोर देन दैट। तो अगर मैं आपको तीन लाइनें दे दूं और कहूं कि चेक करो कि कॉन्कुरेंट है या नहीं, तो डिटर्मिनेंट कहता है कि इसको चेक कर लो, एक्स के कॉफिशियंट, वाई के कॉफिशियंट और कॉन्स्टेंट टर्म सी वन सी टू सी थ्री। अगर ये जीरो आ गया तो लाइंस कॉन्कुरेंट होंगी, अगर ये नॉन जीरो आ गया तो लाइंस नॉन कॉन्कुरेंट होंगी। एग्जैक्टली सही बोला लफी, कॉन्कुरेंट का मतलब है कि इन तीनों का यूनिक सॉल्यूशन है, इनका एक ही सॉल्यूशन है, मीनिंग वही है, ठीक है। बट हाँ इसको वहां से ना देखो क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल दो है, इक्वेशन तीन है, यहाँ पे जेड नहीं है, तो वैसे ना देखो तो बेटर है, ठीक है। तो कंडीशन बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अगर ये जीरो है तो कॉन्कुरेंसी होगी, जीरो नहीं है तो कॉन्कुरेंसी नहीं होगी। अगेन अ डायरेक्ट फॉर्मूला, नथिंग मोर देन दैट, ठीक। तो ये है पॉइंट, ये थे एप्लीकेशन, एक छोटा सा एग्जांपल देख लो। कहता है फटाफट ए बता दो जिसके लिए ये तीनों लाइंस कॉन्कुरेंट है, के ए बता दो, तुम क्या करोगे, डी को जीरो कर दोगे, डायरेक्ट कंडीशन लगाओगे और कुछ नहीं करना। तो पहले एक्स के कॉफिशियंट 2a3, फिर वाई के कॉफिशियंट और फिर कॉन्स्टेंट करो, इसको जीरो कर देना है, तुम्हारे पास ए की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। तो ये बहुत ही छोटी सी चीज है, बहुत मेन एप्लीकेशन क्रैमर रूल है, उस पर बहुत फोकस करना है। ये छोटा सा एरिया ऑफ ट्रायंगल कॉन्कुरेंसी, बहुत छोटे से टुट्टी पुच्ची सी एप्लीकेशन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सुवीर दास, प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग, प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग विच कैन मेक यू एक्सीलेंट एट मैथ्स रादर एनी सब्जेक्ट, देयर इज नो अदर वे बेटा, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अब जैसा मैंने बिगिनिंग में कहा था कि मैं आपको सेशन के एंड पे आपको प्रो के बारे में बता दूंगा, लेट मी टेल यू अबाउट प्रो ऑल्सो। पहले फीचर बता देते हैं फिर बताता हूँ कि इसको कैसे आप बाय कर सकते हो, ताकि आप भी 12th की तैयारी को इतना टॉप पे ले जाओ कि आप भी जेईई एडवांस क्लियर करो। तो कुछ नहीं है, मैं आपको फटाफट बताता हूँ और फिर अगर आपकी कोई क्वेरीज है मैं क्वेरीज भी ले लेता हूँ, ठीक है, डोंट वरी। तो पहली बात, अगर आप प्रो को चूज कर लेते हो तो आपके पास मतलब जो एक अच्छी तैयारी के लिए चाहिए, जिससे रैंक्स आए आएंगे आपके जेईई एडवांस में, और अगर आप CBSE के स्टूडेंट हैं तो CBSE के नंबर, सब कुछ विल बी टेकन केयर ऑफ। सबसे बड़ा पॉइंट जो यहां पे है बेटा, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता है, वो है ये, वी हैव अ टू टीचर मॉडल। एक मास्टर टीचर होता है, क्लास टीचर होता है। तो इन द क्लास ऐसा नहीं कि एक टीचर पढ़ा रहा है वही डाउट ले रहा है, ये तो डाउट ले ही रहे हैं, साथ में बहुत सारे टीचर बैठे हैं जो आपके डाउट ले रहे हैं ऑन द गो, क्योंकि हो सकता है ये कुछ समझा रहे हैं बीच में है और एकदम से आपका डाउट ना ले पाए, तो आप इनसे पूछते रहोगे, आपके डाउट क्लियर करते रहेंगे। इट्स अ टू टीचर मॉडल, ठीक। एंड ऑफ कोर्स लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस। इंटरेक्टिव मतलब क्या, मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जहाँ पे आपको पता लगेगा कि इंटरेक्टिव होता क्या है, राइट, क्लासेस में कैसे इंटरेक्शन होता है। पोस्ट क्लास कंटेंट आपको हार्ड कॉपी में मिलेगा प्रॉपर, सो दैट आप उसको आराम से बैठ कर सॉल्व कर पाओ। रेगुलर टेस्ट होते हैं फोर्टनाइटली, ऑल्टरनेट वीक्स पे यहाँ पे टेस्ट होते हैं,
मेन पैटर्न एडवांस पैटर्न दोनों, ऑफ कोर्स रेगुलर डाउट सॉल्विंग इन क्लास भी होती है और पोस्ट क्लास होती है डाउट ऐप के थ्रू, एंड फाइनली टाइम टू टाइम पीटीएम्स होती ताकि एक पेरेंट्स का कनेक्शन बना रहे, राइट। नाउ लेट मी शो यू हाउ द क्लास लुक्स लाइक, दिस इज अ पर्टिकुलर क्लिप ऑफ माई क्लास, छोटे छोटे क्लिप मैंने लिए हैं ताकि आपको दिखाऊं कि क्लास दिखती कैसी है, राइट। तो व्हेनेवर क्लास स्टार्ट्स थोड़े गप्पे मारते हैं पहले टीचर बच्चे आपस में, भी गेट कंफर्टेबल कि चलो क्लास शुरू करनी है, फिर टीचर रीकैप करता है पिछले सेशन को और फिर पढ़ाना शुरू करता है। सारे नोट्स टाइप रहते हैं पर स्टिल टीचर लिख के पढ़ाते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ आए, और ये आपको सारा डाउनलोड मिलता है, आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। टीचर पूछता है पोल लेके कितनों को प्रॉब्लम, कितनों को समझ आ गया, राइट। जैसे इतनों को समझ आया, इतनों को डाउट, जिसके डाउट है वो क्लास टीचर से भी पूछता है और टीचर से डायरेक्टली बात करके भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ मैंने लक्ष्य को अनम्यूट किया हुआ और डाउट से उसे समझा रहा हूँ। डाउट के बाद यहाँ पे क्विजेज होते हैं, राइट। सो टीचर क्विज लेता है यहाँ पे, ये मैंने छोटे छोटे क्लिप्स लगाए हैं, पूरी रिपोर्ट आ जाती है क्लास में, कितनों ने सही किया, जिन्होंने गलत किया, क्या क्या गलत किया, एंड बाय द एंड ऑफ सेशन लीडर बोर्ड आ जाता है कि क्लास में टॉप परफॉर्मिंग बच्चे आज के कौन रहे, सो दैट बच्चों को एक पुश रहे कि हमें और पढ़ना है, आगे आना है। यस सुवीर दास, मेरे बैच में एंट्री लेना आसान नहीं है, आई डू एग्री, बट हाँ आई विल कीप डूइंग सम मॉड्यूलर्स टाइम टू टाइम सो दैट मैक्सिमम बच्चे मेरे से पढ़ पाएं जो पेड पे आते हैं, ठीक है। मैं मॉड्यूलर बैचेस लॉन्च करूंगा इस साल बेटा, क्योंकि मेरा बैच अब दो तीन हफ्ते हो गया शुरू हुए, तो आफ्टर टू वीक्स वो बैच क्लोज हो जाता है, फिर नया बैच आ जाता है, राइट। अगले बैचेज आपके लिए ओपन रहेंगे, एट अ टाइम आप दो तीन बैचेज में देख सकते हो, सब्जेक्ट वाइज चूज कर सकते हो, बट एक बैच जब शुरू हुए बहुत टाइम हो जाता है तो फिर उसके बाद उसकी एंट्री ब्लॉक की जाती है, क्योंकि फिर बच्चे के लिए बहुत लैग आ जाएगा ना, वहाँ पर बहुत सेशन हो चुके हैं, अब अगर बच्चा जाएगा तो उसको प्रॉब्लम आएगी। तो डाउट ऐप के थ्रू क्या होता है, फोटो बच्चा खींच के भेज देता है, उसको जवाब आ जाता है, साथ में चैटिंग में क्लैरिटी ले लेते हैं कि बेटा डाउट क्लियर हो गया, कोई बच तो नहीं गया, बच्चा है तो उसको ओवर दोबारा समझाया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। रेगुलर टेस्ट होते हैं सीबीटी मोड, प्रॉपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग मोड में टेस्ट होते हैं, जिसका कि कंप्लीट एनालिसिस कि आपकी एक्यूरेसी क्या थी, सब्जेक्ट वाइज टॉपर के नंबर और एवरेज क्लास के नंबर आपके हिसाब से कहाँ पे हैं अभी, एंड जो आपका टॉपिक वाइज एनालिसिस है कि किस टॉपिक में सही किया, किस टॉपिक में गलत किया, वो भी बताया जाता है प्रॉपरली। तो ये एनालिसिस बहुत डिटेल में होता है, एंड इन्हीं सभी सिस्टम की वजह से क्लास में अच्छा पढ़ाना, क्लास में इंटरेक्शन करना, क्विजेज लेना, लीडर बोर्ड दिखाना जिससे बच्चे मोटिवेट रहें, रेगुलर टेस्टिंग होना, मेन पैटर्न एडवांस पैटर्न, और बच्चों के साथ जेई एडवांस के एंड तक तैयारी करते रहना बच्चों के साथ। ऐसा नहीं कि तुम्हारी साल फीस एक साल की है, नो, तुम्हारी फीस जो है तुम्हारे जेई एडवांस तक की है, तो एंड तक तुम्हें पढ़ाया जाता है। इसी करके वी आर द कैटेगरी लीडर इन द रिजल्ट्स। ये व्हाइट वाला जो है नेशनल एवरेज है और ये ऑरेंज वाला विदांतु एवरेज है। देख पा रहे हो विदांतु एवरेज कितना ऊपर है नेशनल से। दिस ऑल हैपन्स बिकॉज यहाँ पे सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक छोटी सी बताऊँ बेटा, मैं 5 पांडव खड़ा कर दूँ, कृष्ण को हटा दूँ, तो पांडव कुछ नहीं कर सकते, वो हार जाते कौरव से, ऑल्दो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सो कृष्णा प्लेड द रोल ऑफ सिस्टम, सो दैट इज वॉट वी स्टैंड फॉर एक्चुअली। विदांतु स्टैंड फॉर सिस्टम। यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड सिस्टम्स हैं जो कि किसी चीज़ को खराब नहीं होने देते। अगर कोई चीज़ खराब हो रही है तो सिस्टम कंट्रोल कर लेता है, मैनुअल नहीं है, एक आदमी या दो आदमी का गेम नहीं है, पूरी कंपनी जो है, पूरा इंस्टीट्यूट जो है वो एक सेंट्रली स्ट्रक्चर्ड है। दिस इज आर स्ट्रेंथ, राइट। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं, बहुत बच्चे अच्छे कर पाते हैं, एंड यू कैन एनरोल इनटू मल्टीपल कोर्सेज। यू जस्ट हैव टू टेक वन सब्सक्रिप्शन विच इज ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल, मतलब महीने का शायद 2600-2700 टाइप्स, और उसमें आपको पूरा जेई का तो मिलता ही है टिल एडवांस प्रॉपर। उसके अलावा आप चाहो तो CBSE बैच भी ज्वाइन कर सकते हो विदाउट पेइंग एनीथिंग एल्स एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना। आप चाहो तो डिफरेंट टीचर्स के बैचेस पे जा सकते हो। जैसे मैंने कहा ना, मैं मॉड्यूलर लॉन्च करूंगा इस साल, तो मैं वही बता रहा था, जब आप मेरे इस पे आओगे प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ पे ऑप्शन होती है कि एनरोल कर सकते हैं मल्टीपल कोर्सेज में। जब आप एनरोल करोगे तो पता लग जाएगा आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेरे कोर्सेज दिखने शुरू हो जाएंगे, जहाँ पे कोई एक चैप्टर, किसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर, किसी चैप्टर के हाई लेवल सॉल्विंग, राइट। ऐसे छोटे छोटे कोर्स में लॉन्च करता रहूँगा टाइम टू टाइम, जो कि आपकी प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाएंगे। तो आपको ऐसे कोर्स मेरे यहाँ पे दिखा करेंगे, और आप चाहो तो जितने मर्जी में एनरोल कर सकते हो विदाउट पेइंग एनीथिंग। ओनली वन सब्सक्रिप्शन यू हैव टू टेक, दैट्स ऑल। सो दिस इज द पावर ऑफ सब्सक्रिप्शन, राइट। इसलिए आई सजेस्ट यू शुड मेक अ हाइब्रिड ऑफ यूट्यूब एंड पेड प्लेटफॉर्म, जहाँ पे YouTube में आपको बहुत सारी सॉल्विंग मिल जाती है, कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं, वहीं पे पेड पे आपको थोड़ा डंडा मिल जाता है, आपको थोड़ा सा
टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्शन करने का मौका मिल जाता है, टीचर से बात करने का मौका मिलता है, जैसा कि बहुत सारी क्वेरीज क्लियर होती हैं, डाउट्स साथ के साथ सॉल्व हो जाते हैं क्लास में, टीचर आपसे क्विज लेता है तो आपको भी फिक्र होती है कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को लीडर बोर्ड में आना है, मेरा टेस्ट होगा, मेरा रिजल्ट आना है। तो ये आप हाइब्रिड बना पाओ अगर यूट्यूब और पेड का, देन यू कैन एक्चुअली कीप यू नो टेक योर बेस्ट आउटपुट, बेस्ट पोटेंशियल आपको बाहर आ सकता है। बट यस, उस हाइब्रिड को आपने बैलेंस कैसे करना है, सारा गेम उस पर डिपेंड करता है। सो व्हाट यू गॉट टू डू इज जस्ट टेक दिस सब्सक्रिप्शन एंड AVK प्रो कोड लगा दोगे तो ये सब्सक्रिप्शन सस्ता भी हो जाएगा। लेट मी टेल यू कि आपको कैसे बाय किया करना है। आप इसी सेशन को ओपन कर लो, कुछ नहीं करना बेटा, और हाँ डिले मत करो, 12th है, 12th में जल्दी शुरू करोगे, सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा, रिवीजन अच्छा होगा। लेट शुरू करोगे फिर बेटा बहुत मुश्किल होगी, गड़बड़ हो जाएगी। सो डोंट डिले, और ये मत सोचते रहो कि मैं ऑनलाइन लूँ ऑफलाइन लूँ, इसी कन्फ्यूजन में टाइम नहीं निकाल देना, समझ रहे हो बेटा। आपका वैसे ही पता कि ऑफलाइन की फीस भी कैलकुलेट की तुमने बेटा, कभी कैलकुलेट की है ऑफलाइन की फीस? मतलब इट इज़ लाइक 1 लाख प्लस फॉर 1 ईयर कह रहा हूँ, और अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो हालत ख़राब। एंड यहाँ पे आपको उसे मच बेटर क्वालिटी, मेरे जैसे और मुझसे बेटर टीचर आपको मिलेंगे यहाँ पे, और साथ में यूट्यूब पे आप अपने भाई साहब पढ़ रहे हो, एक हाइब्रिड बना लिया, क्या हैंडल कुछ और चाहिए नहीं तुमको, एग्जैक्टली लफी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोड दिया हुआ AVK प्रो वाला, इसको क्लिक कर देना है और देखो फीस कितनी कम है इसकी। कुछ नहीं करना, आपने अपना प्रेजेंट ग्रेड भर देना जो कि कितना है 12th, फिर आपने भर देना JEE 22, ये रहा JEE 22, ये लिखा मेन हुआ है, ये मेन एंड एडवांस दोनों होता है, बस ऐसी कोडिंग में लिखा हुआ फर्क नहीं पड़ता, इसमें मेन और एडवांस पूरे की तैयारी होती है, टिल द एडवांस एंड। यहाँ पे वो आपको ऑप्शन देगा कि आप 1 मंथ भी ट्राई कर सकते हो, 1 ईयर भी ट्राई कर सकते हो। सो आपने 1 मंथ ट्राई करना है तो प्रोसीड टू पे, राइट। यहाँ पे अभी ये फीस दिखा रहा है 3400 पर मंथ, 3400 समझते पर मंथ बेटा। साल की फीस देखी कितनी थी, साल की फीस कितनी कम थी, साल की भी दिखाऊंगा बड़ी, पूरे साल की फीस तुम्हारी बेटा कितनी है, ये इसको ओपन कर लेते हैं, प्रोसीड टू पे, पूरे साल की फीस 40,000 है, कैन यू सी दैट, 40,000 फॉर द कंप्लीट ईयर, नॉट इवन ईयर, मोर देन अ ईयर, टिल योर JEE एडवांस, जिसमें सारा कंटेंट तुम्हें हार्ड कॉपी मिल रहा है, पूरी क्लासेस लगनी है रेगुलर, पूरा शेड्यूल तुम्हें मिलेगा, क्लास मिस होगी तो रीप्ले देख सकते हो, जो क्लास ने पढ़ाया उसको नोट डाउनलोड कर सकते हो, सब कुछ। और उस पर भी अगर तुम कोड लगा दोगे AVK प्रो तो ये प्राइस और फॉल कर जाएगा, 36,000 पे आ जाएगा, समझ आ रहा है, इट इज वेरी अफोर्डेबल, इट इज मेड सो मच अफोर्डेबल, सो दैट इज वाई गो फॉर इट, और इस पर छा जाओ, सब्सक्रिप्शन प्लस यूट्यूब दोनों का हाइब्रिड बनाना यार, रखना मेरे साथ यहाँ पे पढ़ो वहाँ पे बनाओ एक तुम्हारा। मैंने यहाँ पे JEE लीड लाइव में डेली एक सेशन रखा, बड़ा रखा बट एक रखा, सो दैट आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर पाओ। मैं डेली तुम्हारे 5-5 घंटे लगाऊंगा तुम पागल हो जाओगे, पर डेली 2 घंटे तो लगा सकते हो मेरे साथ, तो बहुत ऑर्गेनाइज चलेगा। बस इसके बाद आपने पे कर दिया, आप चाहो तो EMI भी कर सकते हो, अगर प्रॉब्लम लग रहा है कि आपको EMI देनी है, या आप लमसम भी पे कर सकते हो, पे करो फटाफट यहाँ पे आ जाओ एंड पढ़ते रहो मेरे साथ, यहाँ पे तो जरूर पढ़ते रहना मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारे साथ मैं कप्पे मारता हूँ उसका अपना मजा है, नो डाउट, मैं मना नहीं करूँगा, ठीक है। एंड हाँ, अब बताओ, अब अगर किसी का कोई डाउट है, कोई बच्चे मुझसे डाउट पूछ रहे थे, तो लेट मी जस्ट टेक सम डाउट्स इफ यू हैव, बोलो फटाफट क्या डाउट है। DPP डिस्कशन आज चैप्टर खत्म हुआ है, जो अगली क्लास मेरी है जो कि अब मेरे ख्याल से मंडे को है शायद, तो मंडे या ट्यूसडे मेरा सेशन कब होता है, ट्यूसडे होता है शायद, जो भी मेरी नेक्स्ट क्लास है उसमें DPP का डिस्कशन है, ओके, एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर वहां पे DPP का डिस्कशन होगा। और बताओ और क्या डाउट है, अप्लाइड अटेम्प्ट का क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता बेटा, किसी को कुछ नहीं पता, गॉड ब्लेस यू देवाशीष, खुश रहो। शेड्यूल फॉर क्लास 12 डेली बेटा 1:30 to 4 आपकी क्लास होती है, 2 दिन मैथ, 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री, ओके, तो 1:30 to 4 का स्लॉट पकड़ लो। एंड 8 to 10 में टाइम पे बीच में सेशन आएंगे, जैसे मॉक टेस्ट जब होगा वो 8 to 10 PM के स्लॉट में होगा, और जब भी मॉक टेस्ट होने वाला होगा आपको 1 वीक से पहले बताना शुरू कर दिया जाएगा, ठीक। और बताओ बेस्ट बुक फॉर मैथ, या बेस्ट बुक जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, हर एक बच्चे की अपनी रिक्वायरमेंट है, सबके लिए अलग अलग बुक्स हैं, तो ऐसे बताना बहुत मुश्किल है, ईजी बुक्स भी हैं, मीडियम भी है, टफ भी है, तो ऐसे किसी के लिए बेस्ट कहना गलत होगा। बैकलॉग बेटा कार्तिक 0 to 0 देखो, और कुछ कवर करना नहीं है, पूरा 12th जब खत्म हो जाएगा उसके बाद
11th की रिवीजन अच्छे से करनी है। इसीलिए कह रहा हूँ, अगर तुम प्रो सब्सक्रिप्शन पे आ जाते हो, तुम्हारा सिलेबस अक्टूबर में खत्म होगा, प्रो सब्सक्रिप्शन में भी आफ्टर अक्टूबर, टिल अक्टूबर 12th को इतना पी जाओ, इतना पी जाओ मेरे साथ यहाँ पे और प्रो सब्सक्रिप्शन में, इतना पी जाओ कि 12th की टेंशन खत्म हो जाए। 12th का सिलेबस बहुत छोटा है 11th के कंपेरिजन में, एंड अक्टूबर के बाद अपनी 11th को उठाओ, दैट विल बी द टाइम टू रिवाइज 11th। और बोलो नवनीत, विदाउट टॉकिंग टू स्टूडेंट डायरेक्टली आई कांट सजेस्ट। ओके, बच्चे से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि उसका प्रेजेंट स्टेटस ऑफ प्रेपरेशन क्या है, उसके बिना मैं बुक सजेस्ट नहीं कर सकता। इसलिए मैं यूट्यूब पर कभी भी बुक सजेस्ट नहीं करता, पेड प्लेटफॉर्म पे भी अगर करता हूँ तो पहले मैं बात करता हूँ कि आप किस पर्पज़ से पूछ रहे हो, अनम्यूट करके बात करके फिर सजेस्ट करता हूँ, ऐसे मैं कभी बुक सजेस्ट नहीं करता बेटा। और बताओ, अगर कोई टीचर आपसे बिना बात किए आपको सजेस्ट कर रहा है, मतलब बेटा उसको परवाह नहीं है आपकी ना, आप सोचो खुद, आपको जाने बिना कैसे कोई आपके बारे में बेस्ट बुक बता सकता है। क्लास 12 शेड्यूल, बेटा बता तो दिया किसका पूछ रहे हो, यूट्यूब का या पेड का? जो पेड प्लेटफॉर्म है उनमें आपकी क्लासेस नॉर्मली 5:30 टू 7:30 एक स्लॉट होता है, और दूसरा स्लॉट होता है 8 से 10 PM। तो या तो आपका 5:30 टू 7:30 स्लॉट होगा डेली, या फिर आपका 8 से 10 PM स्लॉट होगा डेली पेड पे। यूट्यूब की बात करें तो यहाँ पे 12th का स्लॉट, 11th मूविंग टू 12th बच्चों का जो भी चल रहा है ये वाला, 1:30 टू 4 PM है डेली। हफ्ते में 2 फिजिक्स आते हैं, 2 केमिस्ट्री आते हैं, 2 मैथ आते हैं। और बताओ भाई, इज कोटा मटीरियल गुड? यस ऑफ कोर्स गुड। अरे कोटा अच्छा यार, क्या बात कर रहे हो बेटा, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो रिजल्ट देता आ रहा है उसका मटीरियल कैसे खराब हो सकता है, खुद सोचो राइट। जैसे कि वेदांतु है, अगर ऑफलाइन की बात करें एलन है, लक्ष्य था, ऑनलाइन की बात करें वेदांतु इज लाइक, मेरे ख्याल से वेदांतु के आसपास कोई भी नहीं अगर हम ऑनलाइन की बात करें एज फार एज रिजल्ट्स आर कंसर्न। अगर मैं क्वालिटी आइटम बोलना कि ऑनलाइन में कहां कहां से रिजल्ट आते हैं, परहैप्स वेदांतु इज द ओनली वन, एंड दैट टू मार्जिनली। ओके, लास्ट ईयर 548 स्टूडेंट्स क्लियर जेई एडवांस्ड। मैं कट ऑफ क्लियर नहीं कह रहा, मैं जेई एडवांस को रैंक कह रहा हूँ। कट ऑफ तो हर एक 2 में से एक बच्चा क्लियर करता है हमारे वेदांतु में राइट, और उनमें से फर्दर बहुत बच्चे जेई एडवांस क्लियर करते हैं। सो कोई मुकाबला ही नहीं है ऑनलाइन में वेदांतु का, एक्चुअली रिजल्ट्स में कोई मुकाबला नहीं है। आप सर्च कर लो गूगल पे बेस्ट रिजल्ट्स ऑफ ऑनलाइन कोचिंग, वेदांतु का कोई मुकाबला ही नहीं है बेटा। आप जितने मर्जी आप नाम देख लो, किसी के रिजल्ट्स नहीं है। होते भी है तो 10 रिजल्ट्स 20 रिजल्ट्स इस ऊपर नहीं होते। वेदांतु इज लाइक टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ हंड्रेड्स, एंड दिस ईयर मोस्ट लाइकली थाउजेंड्स। और बताओ सेशन, बेटा कार्तिक जितने भी आपके सेशन हो रहे हैं इनमें एनोटेशंस हैं। ओनली थिंग यू हैव टू डू इज आफ्टर सेशन, जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, देखो सेशन PDF रात को अपलोड होता है, DPP पहले अपलोड हो जाता है। रात को जब आपने ओपन करना है तो फाइल को सीधे ओपन मत करो, पहले उसको डाउनलोड करो राइट क्लिक करके। डाउनलोड करके जब ओपन करोगे तो आपको एनोटेशंस दिखेंगी, अगर आप सीधे ओपन करोगे तो आपको एनोटेशन नहीं दिखेंगी। ये कुछ तो फंडा होता है PPT का, कुछ है फंडा। तो डाउनलोड इट एंड देन ओपन इट, यू विल सी द एनोटेशंस। और बताओ आप कैसे हो सर? मैं बढ़िया बेटा, गॉड ब्लेस यू, मैं जिंदगी में आश मार रहा हूँ, बहुत बढ़िया चल रही जिंदगी, लाइफ ए क्लास है। 11 का शेड्यूल बेटा कल बताएंगे, 10th मूविंग टू 11th का कल बताएंगे। अरे कुछ कल के लिए भी छोड़ो, सब आज ही पता कर लोगे, ठीक है? बढ़िया, ऑल गुड, #VLOP, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, मजे करते रहो, सीखते रहो, और दूसरों की मदद जरूर करो कि वो भी सीखे और वो भी मजे कर पाए, ठीक है? चलो बाय, गॉड ब्लेस यू बेटा, मेरा IIT दिल्ली है। ओके बाय, गॉड ब्लेस यू। यस लफी, यस, जो अगला सेशन मैथ का होगा उसमें जितनी भी 3 DPPs मिली हैं आपको मैथमेटिक्स की, उनके जितने भी ऐसे क्वेश्चन जहां पे डाउट आ सकते हैं एक साथ होंगे, ठीक? ओके हर्षित बेटा, जितना तेरे को रिप्लाई किया मैंने, किसको रिप्लाई नहीं किया, कितने क्वेश्चन पूछेगा यार हर्षित, मैंने जवाब दे दिया उसी का बेटा, ठीक है? ओके चलो, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। टेस्ट पेपर जो मॉक टेस्ट है यूट्यूब पे आपके नॉर्मली 1 या 2 चैप्टर खत्म होने पे हुआ करेगा, और जब 3-4 चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो एक मेगा मॉक टेस्ट होगा, वो कंप्यूटर बेस्ड मॉडल में होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और जो टेलीग्राम लिंक है उसको जरूर ज्वाइन कर लो, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि जो आपका CBT मोड में हम मेगा मॉक टेस्ट लेंगे वो आपको लिंक जो है यूट्यूब टेलीग्राम पर मिलेगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लो फटाफट, ठीक है? ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब करते हो, ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं, हमें भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि ज़्यादा बच्चों को हम पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है? सो जस्ट हेल्प योर ब्रदर कि हमारा भाई ज़्यादा बच्चों को पढ़ा पाए, अपने दोस्तों को बताओ, सब्सक्राइब करें, सीखें, और कमी कोई नहीं बेटा, सिखाने के लिए बैठे हैं,
पूरी एंड बस तुम छा जाओ, इतनी मेहनत करो ठीक। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू पंचू राम। और करना पड़ेगा बेटा, और भी करना पड़ेगा। चलो ओके, खुश रहो।